नमो ओम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामने नमस्ते सारसुदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चादेशतारिणे श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं वैराग युग भक्ति रसं प्रयत्नै अपायन माम अनुभीप्समंधं कृपां बुधिर्यः परदुख दुखी सनातनं तं प्रभुमाश्रयामि। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्वसे नमः। जत्कीर्तनं जत्स्मरणं जदीक्षणं जद्वंदनं जद्श्रवणं जदर्हणं लोकस्य सद्यो विधनोति कल्मषं तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। तो सुबह के सत्र में हम लोग महाराज जाति के विषय में चर्चा कर रहे थे। तो महाराज जाति ने देवजानी से विवाह किया और उसी क्रम में शर्मिष्ठा दासी बनकर गई और उसके विशेष प्रार्थना से महाराज ने उसे संतान प्राप्त किया। आगे सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि एक दिन महाराज जाति के साथ उनके पीछे पीछे शर्मिष्ठा के बच्चे भवन में चले गए। एकदम हू बहू महाराज जाति जैसा थे। तो देवजानी अचानक जब देखी बच्चे के रूप रंग शरीर की आकृति तो स्वाभाविक जिज्ञासा की और उस दिन उसको पता चल गया कि शर्मिष्ठा के बच्चे हैं और महाराज के द्वारा ये उत्पन्न हुए हैं। वो बाहर काम करती थी तो इससे देवजानी बुरी तरह छीण गई। बड़ी विस्तार से सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं कि शर्मिष्ठा छीण करके देवजानी छीण करके अपने पिता के यहाँ चली गई। महाराज उसको मनाने का प्रयास किए, बहुत कोशिश किए, साथ साथ उसके साथ उसके मायके चले गए, माने शुक्राचार्य के पास चले गए। और शुक्राचार्य जब उनके स्थिति को देखे तो बहुत दुखी हुए और श्राप दे दिए कि तुम इतना लंपट हो, अपने शर्त का भी ध्यान नहीं रखा, तो मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि कामियों को जो बुढ़ापा परेशान करती है वह जर्जर बुढ़ापा तुमको प्राप्त हो। तो महाराज जजाति शुक्राचार्य के चरणों में विनय किए और कहे कि आपने विचार नहीं किया, क्रोध में मुझे श्राप दे दिया, आपकी बेटी युवती और मैं वृद्ध, यह कहाँ तक उचित है। तो फिर शुक्राचार्य शांत मूड में उन्हें एक व्यवस्था दिया कि आपकी जवानी से अगर कोई आपकी बुढ़ापा को कोई बदले में अपना जवानी दे सके तो आप बदल सकते हैं। तो
महाराज जजाति लौटे और अपने पुत्रों से ही प्रस्ताव रखे। उनके 5 पुत्र थे, पुत्रों से कहे, सबसे पहले जदु महाराज से कहे। जब जदु महाराज ने उनको नकार दिया, नहीं स्वीकार किया, यह कहकर कि आप यदि इसको जवानी का उपयोग भगवान के भक्ति के लिए करते तब तो हम दे सकते थे। आचार्यों ने कहा कि जदु महाराज भगवान के भक्त थे और महाराज का, जजाति महाराज का प्रस्ताव उचित नहीं लगा उनको, इसलिए उन्होंने नकार दिया। और बीच के 3 पुत्रों ने यह कहकर नकार दिया कि हमें भी अपना व्यक्तिगत विषय भोग की लालसा है, इसलिए हम नहीं देंगे। और सबसे छोटे पुरु यह कहकर स्वीकार कर लिया कि पिताजी उत्तम पुत्र उसको कहते हैं जो पिता की इच्छा जानकर पूरा कर दे, और मध्यम वह है जो कहने पर पूरा करे, और वो तीसरे स्तर का वह है जो कहने पर भी किसी तरह टाल कर पूरा करे बहुत देर करके, और सबसे निकृष्ट वह पिता के मल मूत्र के समान है जो कहने पर भी न करे। तो मैं तो फर्स्ट क्लास नहीं हो सका, लेकिन दूसरे स्तर का हूँ, निश्चित रूप से आप मेरी जवानी ले सकते हैं। तो पुरु महाराज ने अपनी जवानी दिया और उसे 1000 वर्ष से शर्मिष्ठा और देवयानी के साथ रहे। तो बहुत काल तक विषय भोगों का अनुभव महाराज जजाति को है। एक दिन बड़े शांत मुद्रा में, वो धार्मिक थे ही, लेकिन एक धार्मिकता, आध्यात्मिकता दूसरी चीज है और कामुकता एक विचित्र चीज है। बड़े बड़े लोगों को भी, जो धार्मिक स्तर के हैं, उनको भी कामुकता वशीभूत कर देती है। तो महाराज एक शांत मुद्रा में एक दिन देवजानी से अपने स्थिति का वर्णन कर रहे थे कि हे देवी, मैंने अपने पूरे जीवन को इन विषय भोग में व्यतीत कर दिया। वास्तव में यह जीवन भगवान के लिए है, श्रीहरि के लिए है। फिर उन्होंने एक कथा की, कहा रूपक कथा, एक बकरा बकरी का, कि एक बकरी कुएं में गिरी हुई थी और कामुकता बस एक बकरा उसको प्राप्त करने के लिए अपने सिंह से खोद कर जगह बनाया और फिर उसको निकाल लिया। बकरा का मालिक उसको एक शर्त पर छोड़ा, लेकिन फिर वह अपनी लंपटता के कारण अन्य बकरियों से संबंध रखता था। ठीक वही स्थिति मेरी है, जैसा कि मैंने तुम्हारे साथ और शर्मिष्ठा के साथ व्यवहार किया। वास्तव में यह जीवन धिकार है जो भगवान की भक्ति में न लगे, अत्यंत दीन हो गया हूँ। अपने विषय में कह रहे हैं, जब मैं अपनी स्थिति पर विचार करता हूँ तो मुझे बहुत अफसोस होता है, भूल होता है कि मैंने अपने आप को भूल गया, अपने स्वरूप को भूल गया। मैंने अपने जीवन में अनुभव किया है, जत पृथिव्याम ब्रह्म हिरण्यम पशुस्त्रियः न दुयन्ति मनः प्रीतिम पुंसः काम हताहिते, पुंसः काम हतस्यते। कहते हैं कि वास्तव में इस पृथ्वी पर जितने धन हैं, सोना चांदी या पशु स्त्री, एक व्यक्ति के मन को तृप्त नहीं कर सकता। न दुह्यन्ति मनः प्रीतिम पुंसः काम हतस्यते, एक व्यक्ति की कामना को ये सारे पृथ्वी के भोग पूरा नहीं कर सकते। एक उदाहरण देते हैं, न जातु काम कामानाम उपभोगे न साम्यति हविषा कृष्ण वर्तमेव भूय एवाभिवर्धते। जैसे जलते हुए आग के अंगार में अगर कोई हविष डाले, लकड़ी घी, तो आग नहीं बुझ सकती है और जलती रहती है। उसी प्रकार इंद्रियों को भोग उपलब्ध कराया जाए तो इसकी प्रवृत्ति शांत नहीं होती है। मैंने अनुभव किया है कि किसी भी व्यक्ति को बड़ी सावधानी की जरूरत है, और उसी क्रम में सुप्रसिद्ध श्लोक कहते हैं भागवत का, मात्रा स्वस्था दुहित्रा वा ना विविकता सनो भवेत बलवान इंद्रिय ग्राम विद्वान समपि कर सती। अपनी पत्नी से बात कर रहे हैं,
कारण मैंने अनुभव किया है कि कोई भी व्यक्ति को सावधानी की आवश्यकता है। अगर वह व्यक्ति अपनी माँ के साथ, अपनी बहन के साथ, अपने दुहित्रा, अपनी बेटी के साथ एकांत में रहे तो इंद्रियां इतनी बलवान है कि विद्वान व्यक्ति को भी आकर्षित कर सकती है। इसलिए कभी भी एक आसन पर एकांत में नहीं रहना चाहिए। तो इसलिए मैं अब भोगों को त्याग कर भगवान की भक्ति करना चाहता हूँ और मेरा निर्णय यह है कि हरिणों की तरह वन में विचरण करूँगा। मेरे साथ अब कोई नहीं रहना चाहिए। जैसे पक्षी के बच्चों का पंख जब उग जाता है तो घोंसला छोड़ देता है, वैसे मुझे ज्ञान हो गया, मैंने मुझे अनुभव कर लिया। इसलिए मैं अपने जवानी पूर्व को लौटा कर भजन करना चाहता हूँ। जो वृद्धावस्था हो, जैसा हो, जो जीवन बाकी हो, तो इस प्रकार जयाति महाराज यह निर्णय देवजानी को बताए और इसके बाद अपने चारों पुत्रों को पूर्व के अधीनस्थ कर दिए। जदु, अनु, द्रुह, त्रुवसु जो बड़े थे उन सबको अपने छोटे पुत्र के अधीनस्थ किए, जबकि नियम यह था कि जदु महाराज को देना चाहिए था राज्य। लेकिन पूर्व के व्यवहार से बड़े कृतज्ञ थे कि पूर्व ने अपनी जवानी इनको दिया था, इसलिए छोटे को राजा बना दिया और चारों को उनके अधीनस्थ राजा बनाए। तो उसी पूर्व वंश में एक से एक महान राजा हुए। मैं समय के अभाव में केवल उन राजाओं का नाम भर लेता हूँ कि पूर्व के पुत्र हुए जन्मेजय, उनके प्रचिनवान, प्रवीर, नमस्यु और चारुप्रद, शुद्यु, बहुगौ, संयाति, अयाति, रौद्रास। और उसी वंश परंपरा में आगे चलकर और महान राजा हुए जैसे सुमति, रायम, दुष्यंत, सुप्रसिद्ध महाराज दुष्यंत। दुष्यंत महाराज एक बार शिकार खेलते हुए, बहुत तेजस्वी राजा थे, वे कर्ण मुनि के आश्रम पर जा पहुँचे। कर्ण मुनि वन में रहते थे, आश्रम पर देखे कि मुनि नहीं है लेकिन एक देव माया के समान, साक्षात भगवान की माया के समान मनोहर स्त्री है। तो उसको देखकर महाराज मोहित हो गए और उससे परिचय पूछे और अपनी स्थिति के विषय में बतला रहे हैं। उस ज्योति से बात करते हुए कहे, व्यक्तम राजन नितनया वेद्यहम त्वाम सुमध्य में। कहते हैं कि ऐसा लगता है कि तुम किसी राजा की पुत्री हो, तुम राजकुमारी हो, लेकिन आश्चर्य हो रहा है कि एक ब्राह्मण के आश्रम पर तुम कैसे हो। हे सुंदर मध्य वाली, एकदम संगारिक शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। व्यक्तम, ऐसा दिख रहा है कि तुम राजन्य तनया, तुम राजा की बेटी हो। वेद्यहम, मैं ऐसा अनुभव कर रहा हूँ। त्वाम सुमध्य में, तुम्हारी सुंदर अंगों को देखकर लगता है कि तुम किसी राजा की पुत्री हो। आपको ऐसे कैसे लग रहा है? तो देखिए कितना विश्वास के साथ कह रहे हैं, नहीं चेत पौराणानम अधर्मे रमते क्वचित। मुझ पूर्ववंशियों का चित कभी भी एक क्षण के लिए भी दूसरे स्त्री में नहीं जा सकता है। नहीं चेत पौराणानम पौराणाम अधर्मे रमते क्वचित। कभी भी हमारा चित अधर्म में नहीं रम सकता। मैं पूर्ववंशी हूँ, मैं अपने मन पर इतना विश्वास रखता हूँ कि तुम ब्राह्मणी नहीं हो सकती और तो हमारा मन तुमको पत्नी के रूप में स्वीकार कर रहा है। तो शकुंतला अपना परिचय देती है कि हाँ, मैं मेनका अप्सरा से उत्पन्न हुई हूँ, मैं विश्वामित्र की पुत्री हूँ। विश्वामित्र तपस्या में रत थे, उनके तपस्या से परेशान होकर इंद्र मेनका को भेजे और मेनका वहाँ आकर के अपने हाव भाव, अपने पायल के झंकार से महाराज विश्वामित्र को भावुक कर दी,
कामुक बना दिए और उसके साथ वो संग किए और बाद में मेनका और विश्वामित्र दोनों उसको छोड़कर चले गए। तो मैं विश्वामित्र के वीर्य से मेनका के गर्भ से जन्मी हुई हूँ और जब वो दोनों छोड़कर चले गए तो कर्ण मुनि मेरा पालन पोषण किए और ऐसे मेरे इस वर्तमान में मेरे पालन करने वाले पिता यही कर्ण मुनि हैं। मैं आपके क्या सेवा कर सकती हूँ? तो मेरे पास तो कुछ जंगल में नहीं है, तीन ही चावल का भात है, यदि आप चाहें तो इसको खाइए और रुकिए। तो दुष्यंत महाराज शकुंतला के भाव को स्वीकार किए, उसके दिए गए भोजन को स्वीकार किए और तत्काल उसी समय गंधर्व विधि से विवाह किए और उस रात्रि में वहाँ रुके और उसके साथ सहवास किए। उस दिन कर्ण मुनि नहीं थे आश्रम में, तो महाराज दुष्यंत के अमोघ वीर्य से शकुंतला गर्भवती हुई और समय पर एक पुत्र हुआ। कर्ण मुनि के आने पर सारी घटनाओं को बताई और शकुंतला को उसी कर्ण मुनि के आश्रम पर छोड़कर ये चले गए, लेकर नहीं गए, वन में ही छोड़ दिए। तो बाद में महर्षि कर्ण उसके गर्भ से उत्पन्न पुत्र का जात कर्म आदि विधिवत किए और बालक बचपन में ही बहुत साहसी था, बलवान था, बलपूर्वक सिंह के बच्चों के साथ खेलता था, सिंहनी के साथ, और कभी कभी सिंह को बांध कर घसीटते हुए आश्रम पर लाता था। तो बहुत प्रसन्न थे कर्ण मुनि। तो बाद में जब बालक जवान हो गया 15-16 साल का, तो कर्ण मुनि सूचना दिए महाराज दुष्यंत को कि आप अपने पत्नी को ले जाइए, लेकिन वो कोई रिस्पांस नहीं दिए, नहीं आए। तब व्यवस्था किए कर्ण मुनि कि शकुंतला के साथ उनके पुत्र को भेजे उनके राजधानी में, फिर भी महाराज दुष्यंत नकार दिए, ना इससे मेरा कोई संबंध नहीं है। तब आकाशवाणी हुई कि महाराज दुष्यंत तुम शकुंतला का तिरस्कार मत करो, अपने पुत्र का पालन करो। देववाणी हुई, शकुंतला बिल्कुल ठीक कह रही है, तुम भूलो मत, इसके गर्भ को धारण, तुम्हारे वीर्य को धारण करने वाली है तुम्हारी पत्नी है। अब दुष्यंत महाराज देववाणी को सुनकर स्वीकार किए और शकुंतला उनकी पत्नी हुई और वो वीर पुत्र भरत, राजर्षि भरत बड़े प्रसिद्ध हुए, चक्रवर्ती सम्राट हुए। उन्हीं के नाम पर पूर्ववंशियों का नाम प्रसिद्ध है भारत, तस्मात भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि। महाराज परीक्षित को भारत कहते हैं, महाराज युधिष्ठिर को भारत, या अर्जुन को भी भारत कहते हैं, ये सब उसी भरत वंश में उत्पन्न है, दुष्यंत पुत्र भरत। और ये दीर्घतमा मुनि को पुरोहित बनाकर भरत गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक 55 अश्वमेध जग किए और प्रयाग से लेकर जमुनोत्री से लेकर प्रयाग तक 78 अश्वमेध जग किए, जोड़िए 100 से ऊपर हो गया, 55 और 78 ने 78 और 55, इतना जस मिला इनको कि पूरा विश्व इनको जान गया। और ये भगवान के बड़े अनुकूल थे, तो इनकी विदर्भ राज के 3 पुत्रियों से विवाह किए और इनसे उन तीनों से एक एक पुत्र हुआ, लेकिन वो पुत्र अपने दूसरे ढंग से, कुछ पागल मंद बुद्धि के, माने राजर्षि भरत जैसे तेज तराक नहीं थे, कोई भी उनका उत्तराधिकारी लायक नहीं रहा। तो वो रानियां देखी कि ये बच्चे अनुकूल नहीं हैं, अद्भुत अद्भुत कथा है, तो ये तीनों अपने बच्चों को मार डाली, ये राजा के अनुकूल नहीं है। तो फिर महाराज भरत का उत्तराधिकारी कोई नहीं रहा, तो मरुद गणों के कृपा से उन्होंने एक पुत्र प्राप्त किया जिसका नाम भरद्वाज हुआ, दत्तक पुत्र, और उससे इनका वंश चला।
तो भरत के दत्तक पुत्र बीतत है भरद्वाज, और उससे फिर जय और महावीर जी नर और गर्ग, फिर उनके ही वंश परंपरा में आगे चलकर महाराज रंती देव हुए, बहुत प्रसिद्ध। सभी राजाओं की कथा नहीं कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, जिनका संबंध भगवान से है, अध्यात्म से है, भक्ति से है, धर्म से है, उनके विषय में कहते हैं। फिर अब रंती देव की कथा कह रहे हैं। रंती देव का निर्मल जस तीनों लोकों में फैला हुआ था, वो बहुत बड़े उदार थे, अद्भुत उदार थे। जो भी उनके पास आता था उनको जो चाहता था वो दे देते थे अपने शक्ति सामर्थ्य के अनुसार। एक बार तो सारा राज पाठ धन वैभव दे दिए, जो मांगता था उसको देते रहे, और उनको स्वयं को खाने पीने का ठिकाना नहीं था। 48 दिन तक एक बार भूखे रहे अन्न के अभाव में, तो 49वां दिन उनको कोई भोजन दिया अपने से लाकर, कुछ खीर हलवा पूड़ी लाकर दिया, जल। बेचारे भूखे प्यासे खाने के लिए बैठे अपनी पत्नी बच्चों के साथ। तब तक एक ब्राह्मण अतिथि आया तो उसको भी खिलाए, और बचे हुए अन्न को फिर खाना चाहते थे। और तब तक एक शूद्र आया अपने साथ कुछ कुत्तों को लेकर, और कहा कि महाराज हम बड़े भूखे हैं, हमारे कुत्ते भी भूखे हैं, हमें कुछ खाने को दीजिए। तो जो बचा हुआ था वो दे दिए। और इस प्रकार कुछ नहीं खा पाए, पानी तक नहीं पिए, सब कुछ दे दिए। तो श्री भगवान उनके इस उदारता से बहुत प्रसन्न हुए, और उन्होंने भगवान से यह वरदान मांगा कि समस्त जीवों में जो कष्ट है, दुख है, कृपा करके आप मुझे दीजिए, मैं झेल लूं और बाकी दुनिया के जीव सब सुखी रहें। न कामये हम गतिमीश्वरात परात अष्ट सिद्धि युक्ताम पुनर्भवम वा। हे भगवान, मुझे कोई गति ईश्वरता नहीं चाहिए, पद नहीं चाहिए, और न सिद्धि चाहिए। आरती प्रपद्येत अखिल देह भाजाम अंतस्थितो जैन भवंत दुखा। हे प्रभु, मुझे ऐसी क्षमता दीजिए कि समस्त जीवों के अंदर जाकर उसके दुख को झेल सकूं। वास्तव में अतिथि के रूप में वहां जो शूद्र के रूप में जो प्रकट हुए थे वो दूसरा कोई नहीं था, भगवान ही थे। परीक्षा पूरी हुई और उनके सामने ब्रह्मा विष्णु महेश आदि सारे देवता उत्पन्न हुए। रंती देव उनसे कुछ नहीं मांगे, निष्प्रिय भावना में थे। तो इस तरह से कथा कह रहे हैं। तो आगे चलकर इसी वंश में कुरु नामक प्रसिद्ध राजा हुए, हस्ती, कुरु और चेदी राज, मगध राज, महाराज शंतनु, ये सब जितने महान भरत वंशी इनके वंश में जन्म लिए। और शंतनु महाराज बहुत प्रसिद्ध राजा हुए। जो कोई किसी व्यक्ति बूढ़े को, रोगी को छू देते थे तो स्वस्थ हो जाता था, जवान हो जाता था। संतनु शरीर को सुंदर, सम्यक, स्वस्थ बनाने वाले, इसलिए उनका नाम संतनु पड़ा था। एक बार उनके राज्य में बारिश नहीं हुई, बहुत भयंकर अकाल पड़ गया था। तो वे लोग ब्राह्मण लोग उपाय बताए कि ये अगर घर छोड़कर जो बाहर गए हुए अपने एक संबंधी देवापी थे वो गृहस्थी की निंदा करेंगे, घर छोड़ेंगे तब वर्षा होगी। तो संतनु का छोटे भाई बाहिली का पुत्र सोमदत्त, भूरी सवा, ये सब बहुत बड़े बड़े राजा हुए। तो संतनु परम धार्मिक राजा थे, और उनके भाई जो घर छोड़ दिए थे, नहीं आ रहे थे, उनको मनाए और उनको विवाह करने के लिए कहे, लेकिन उनका कोई इंटरेस्ट नहीं था, फिर भी विवाह किए उनके कहने से। फिर बारिश हुआ, और फिर कहते हैं कि वही संतनु इतने धार्मिक थे कि परम पवित्र जगत को पवित्र करने वाली गंगा को अपना पत्नी बनाना चाहे, और इनकी पवित्रता का अनुमान, इनकी श्रेष्ठता का अनुमान आप कर सकते हैं कि गंगा इनकी पत्नी बनी, इतने महान धार्मिक राजा थे। और गंगा के गर्भ से
कई संतान प्राप्त किए, लेकिन गंगा भी एक अद्भुत शर्त के साथ इनकी पत्नी बनी कि हम अपने पुत्रों पर अपना अधिकार रखूंगे, आपको बाकी जितना जो करवाना है करना है कीजिए, लेकिन पुत्र हमारे अनुरूप रहेंगे, जैसी मर्जी मैं करूंगी। ये ठीक है, तो अपने पुत्रों को अपने धारा में डालती रही। आठवां पुत्र के रूप में जब परम धर्मज्ञ नैष्ठिक ब्रह्मचारी देवव्रत पुत्र हुए, एक दिन महाराज हिमालय की तराई से घूमते हुए आ रहे थे तो देखे कि गंगा की धारा उल्टे बह रही है, अपनी मुख्य धारा से हटकर जंगल वन में। तो जब गंगा तट पर जाकर देखे तो उनका बेटा देवव्रत खेल रहा है, धनुष बाण से गंगा के धार में बाण मारा है और इतना भारी करंट है उस बाण में, वो हिल रहे हैं बाण दो चार पांच और डैम बना दिए, पानी आगे बढ़ने ही नहीं दे रहे हैं और पानी रोक करके जंगल में बह रहा है। तो जाकर कहे बेटा क्या कर रहे हो, तो कहे पिताजी खेल रहा हूँ। ऐसा खेल कि तुम डैम बना दिया, गंगा के धारा रोक दिया। तो कहे कि हाँ पिताजी। तो फिर एक बाण में जो पांच सात बाण मारे थे उसको हटा लिए और फिर धारा बहने लगी। तो बड़ा प्रसन्न हुए संतनु महाराज और कहे कि अब जो कुछ भी हो जाएगा इसको तो नहीं जाने दूंगा हाथ से। और उसी देवव्रत के कारण गंगा फिर इनको छोड़कर चली गई। बाद में संतनु महाराज ने दास राज की कन्या सत्यवती को पत्नी के रूप में स्वीकार किया, जबकि वह काम कठिन था। प्रस्ताव रख दिया वो दास राज कि मैं ऐसे विवाह नहीं कर सकता, मेरी पुत्री से उत्पन्न संतान आपका उत्तराधिकारी होगा। तो महाराज संतनु के लिए बहुत भारी पड़ गया, जिस देवव्रत के लिए इन्होंने गंगा का त्याग किया वह देवव्रत इनका उत्तराधिकारी नहीं रहेगा, ये नहीं झेल पाए, लेकिन काफी उदास रहने लगे। देखिए ये विचित्र धार्मिक राजा हैं, हम लोग कल्पना नहीं कर सकते हैं। अगर महाराज संतनु चाहते तो बलात् जबरदस्ती भी उसको अपने यहाँ ला सकते थे, लेकिन वो धार्मिक थे, ऐसे नहीं कर सकते थे। सत्यवती से कोई दुर्व्यवहार नहीं किए, उसी दासराज की कन्या सत्यवती के गर्भ से विवाह से पहले महर्षि पराशर के द्वारा भगवान कृष्ण द्वैपायन का जन्म हुआ था। ये सब महाभारत की कथाएं हैं, उसको संक्षेप में केवल कह रहे हैं। और जो हमारे पिता हैं सुखदेव गोस्वामी, अपनी वंश की भी कथा परंपरा में कह दिए हैं। तो फिर बाद में जब देवव्रत को पता चला कि पिताजी सत्यवती से विवाह करना चाहते हैं और विवाह का अवरोध मैं ही हूँ, तो स्वयं जाकर अपने पिता के विवाह की पैरवी किए और कहे कि आपके गर्भ से ही जो संतान होगा वही उत्तराधिकारी होगा, मैं राज्य नहीं लूंगा, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ। तो दासराज यह कह दिया कि आप नहीं लोगे लेकिन आपके बच्चे तो लड़ेंगे ना, तो उन्होंने प्रतिज्ञा कर लिया मैं आजीवन विवाह नहीं करूंगा। तो ये ऐसे देवव्रत भीष्म हो गए, इतना कठिन प्रतिज्ञा किए और 456 वर्ष इस पृथ्वी पर रहे। इनके इस व्यवहार से महाराज संतनु इनको आशीर्वाद दिए, बेटा तुमको मृत्यु पर कंट्रोल हो, जब चाहो तब तुम मरोगे। ये सब केवल राजा ही नहीं थे, एक महर्षि थे, इसलिए उनको राजर्षि कहते भी हैं, राजर्षि ब्रह्मर्षि देवर्षि। तो इस प्रकार सत्यवती के गर्भ से महाराज संतनु ने दो पुत्र प्राप्त किया, चित्रांगद और विचित्रवीर्य, जिनका विवाह काशी नरेश की पुत्रियों से हुआ, अंबिका और अंबालिका से। और उन दोनों को बलपूर्वक भीष्म ने स्वयंवर में से छीन कर लाया था। सब महाभारत की कथा है, यहाँ ज़्यादा कुछ विस्तार से नहीं कह रहे हैं। पत्नियों में अत्यंत आसक्त रहने के कारण महाराज विचित्रवीर्य को यक्षमा रोग टीबी हो गया और बिना संतान प्राप्त किए उनकी मृत्यु हो गई। और चित्रांगद को गंधर्वों ने मार डाला, जैसे ध्रुव के भाई उत्तम को मारे थे वैसे, जैसे यक्षों ने मारा वैसे ही ये क्षत्रिय जाकर गंधर्वों से झगड़ा किया और उसमें मारा गया। तो फिर यह भरत वंश
वंशहीन हो गया, अब कोई उत्तराधिकारी नहीं है। और इधर भीष्म दोबारा विवाह करने के लिए तैयार नहीं थे। सत्यवती के विशेष आग्रह पर भीष्म कृष्ण द्वैपायन व्यास को बुलाए और व्यास जी के कृपा से और विचित्र वीर्य के पत्नियों को गर्भाधान किया गया वैदिक मंत्रों से, जिनसे धृतराष्ट्र और पांडु महाराज का जन्म हुआ। और उनके दासी थी उससे विदुर जी का जन्म हुआ। ये सब महाभारत की कथाएं संक्षेप में दे रहे हैं। और वही पांडु महाराज के पुत्र पांडव लोग हैं। पांडु महाराज ने दो विवाह किया, महारानी कुंती और माद्री, और धृतराष्ट्र की पत्नी थी गंधारी। गंधारी से धृतराष्ट्र ने 100 संतान प्राप्त किया, दुर्योधन आदि। और महाराज पांडु अपने दोनों पत्नियों से अभी संतान प्राप्त नहीं कर पाए, तब तक एक ऋषि पत्नी के श्राप से श्रापित हो गए और स्वयं अपने से कोई संतान नहीं प्राप्त कर सकते थे। तो क्योंकि एक बार एक वन में और शिकार के समय एक ऋषि का वध कर दिए, एक हरिण के रूप में वो अपने पत्नी से सहवास कर रहा था, तो एक बाण मारे जिससे उनकी ऋषि की मृत्यु हो गई और उनकी पत्नी उनको श्राप दे दी कि तुम जब भी स्त्री सहवास करोगे तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तो अब असमय में ऐसा श्राप हो गया, इसलिए वो अपनी पत्नियों को छोड़कर एक बगीचे में भगवान की आराधना करने लगे। कभी कभी वो जाती थी मिलने के लिए, लेकिन संयोग बस एक बार माद्री के सौंदर्य से प्रभावित होकर उन्होंने चेष्टा किया और इसके साथ उनकी मृत्यु हो गई। तो फिर माद्री उनके साथ सती हुई व्यासदेव या इत्यादि ऋषियों के सलाह से, लेकिन उसके पहले पांडु महाराज ने अपने पत्नियों से पुत्र प्राप्त किया था देवताओं की सहायता से। कुंती के पास दुर्वासा जी का दिया हुआ एक मंत्र था, देहूति मंत्र, देवताओं को बुलाने वाला, वह अपने पति से पहले बता चुकी थी। इसलिए पांडु महाराज ने सलाह दिया कि तुम देवताओं से पुत्र प्राप्त करो। देवता तो सबके शरीर पर रहते ही हैं, उनके साथ संतान प्राप्त करना कोई व्यभिचार नहीं है। और इसकी परीक्षा के लिए सबसे पहले तुम धर्म को आह्वान करो। अगर यह काम अधार्मिक होगा या दुराचार होगा तो धर्म इसको स्वीकार नहीं करेंगे। तो कुंती महारानी धर्म को, साक्षात धर्म को ही आह्वान की पुत्र के लिए इच्छा की, तो धर्म ने उनको पुत्र दिया जिनसे महाराज युधिष्ठिर का जन्म हुआ। और इसके बाद सबसे बलवान पुत्र पवन देव से उन्होंने भीम को प्राप्त की और इंद्र देव से अर्जुन को। इसके बाद महाराज पांडु के कहने से माद्री के लिए भी पुत्र प्राप्त की। तो माद्री दो संतान चाहती थी, तो अश्विनी कुमारों को बुलाई और अश्विनी कुमारों से नकुल और सहदेव का जन्म हुआ। तब तो जब माद्री पांडु महाराज के साथ सती हो गई, यह कहकर कि हमारे सती होने के दो उपयुक्त कारण हैं, एक तो हमारे कारण पतिदेव की मृत्यु हुई है तो मैं इस कलंकित जीवन को लेकर जीना नहीं चाहती, दूसरी बात कि जो समता स्नेह सौहार्द बहन तुम्हारे अंदर है इन बच्चों के प्रति, वैसा मेरे अंदर नहीं है। हो सकता है मैं अपने पुत्रों से ज़्यादा स्नेह करूं और तुम्हारे पुत्रों के पालन न कर पाऊं, इसलिए तुमको जीवित रहना उचित है। तो माद्री के इस बात का समर्थन महर्षि धौम में और व्यासदेव ने किया। तो माद्री सती हो गई और कुंती के जिम्मे 5 पुत्रों का पालन का जिम्मेवारी हुआ। तो इस तरह से यह वंश परंपरा। फिर आगे कहते हैं कि उसी वंश में फिर आगे चल के बहुत महान वंशावली का वर्णन कर रहे हैं। कह रहे हैं कि देखो कुंती के 5 पुत्र पांडव कहलाए, द्रौपदी के गर्भ से तुम्हारे 5 चाचा उत्पन्न हुए। अब कथा एकदम श्रोता वक्ता दोनों के बीच आ गई है, अपने विषय में कह दिए, अब एकदम परीक्षित के विषय में कह रहे हैं कि अर्जुन की कि 5 पुत्र जो द्रौपदी से थे वो महाभारत में मारे जाने के कारण उनका कोई संतान नहीं था। अर्जुन की सुभद्रा नामक पत्नी से तुम्हारे पिता अभिमन्यु का जन्म हुआ और अभिमन्यु के द्वारा उत्तरा के गर्भ से तुम्हारा, अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से जब तुम गर्भ में जल रहा था तो तुम्हारी माँ भगवान से प्रार्थना की और भगवान ने
मृत्यु से जीता जागता तुमको बचाया, तुम विष्णु दत्त हो। कितना मनोहर कथा है, कहाँ कथा आ गई एकदम स्टेज पर। परीक्षित की कथा कर रहे, परीक्षित तुम्हारे पराक्रमी पुत्र ये जन्मेजय, सुतसेन, भीमसेन और उग्रसेन जो सामने बैठे हैं, तक्षक के काटने से जब तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी तो जन्मेजय सर्प यज्ञ करेगा, सर्पों को हवन करेगा और इसके अतिरिक्त भी यज्ञों के द्वारा भगवान की आराधना करेगा और बृहस्पति जी के समझाने पर ये यज्ञ बंद करेगा। और इसके पुत्र होंगे जन्मेजय का सतानिक, सतानिक के सहस्तानिक, अश्वमेधज, असीम कृष्ण, नेमी चक्र, क्षेमक तुम्हारे वंश में, और क्षेमक के साथ कलयुग में यह तुम्हारा वंश समाप्त हो जाएगा। इस तरह से कथा कह रहे हैं। फिर आगे जजाति महाराज के पुत्र अनु, द्रुहु, तुर्वसु और जदु के वंश का वर्णन करते हैं अति संक्षेप में। कहते हैं अब मैं जदु महाराज के वंश का वर्णन करूंगा। द्रुहु और तुर्वसु को बहुत संक्षेप में किए, एक एक दो दो श्लोक में। अब जदु महाराज के वंश का वर्णन, वर्ण्यामी महापुण्यम सर्व पाप हरम निर्णाम, जदोर वंश नर श्रुत्वा सर्व पापी प्रमुच्यते। अब मैं जदुवंश का वर्णन करने जा रहा हूँ जो मनुष्यों के सारे पापों को समाप्त कर देता है, जिसकी कथा सुनने मात्र से व्यक्ति सभी पापों से मुक्त हो जाता है। तो जदु महाराज के सहस्त्रजीत, कोष्टा, नल, रिपु और सहस्त्रजीत से सत्यजीत, महा है, वेणु है और हाय है नामक पुत्र हुए। तो इस तरह इसी जदुवंश में अनेक तेजस्वी राजा हुए। तो कहते हैं कि इसको सातवत वंश भी कहते हैं। जदुवंश में आगे चलकर सातवत नामक राजा हुए और उनके वंश परंपरा में विष्णु नामक महातेजस्वी राजा हुए, उनके चित्रथ और चित्रथ के देवमीढ़ नामक राजा हुए, बहुत महान राजा। देवमीढ़ ने दो विवाह किया था, एक छत्राणी से और एक गोप कन्या से। तो महाराज देवमीढ़ के छत्राणी से जो पुत्र उत्पन्न हुआ उसका नाम हुआ सूरसेन, और जो वैश्य कन्या गोप कन्या थी उससे जो पुत्र उत्पन्न हुआ उसका नाम हुआ पर्जन्य। और सूरसेन का पुत्र हुए वसुदेव और पर्जन्य का पुत्र हुए नंद। तो दोनों देवमीढ़ के संतान है, एक ही वंश में है। तो वैश्य कन्या गोप कन्या से पर्जन्य और पर्जन्य से नंद बाबा और छत्राणी से सुरसेन, सुरसेन के वसुदेव। और नंद और वसुदेव दोनों को सौभाग्य हुआ जिनका पुत्र भगवान श्री कृष्ण हुए। यहाँ आ गए एकदम। सुरसेन की पत्नी, वसुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ से श्री भगवान का अवतार हुआ और उधर नंद की पत्नी यशोदा के गर्भ से दोनों के पुत्र भगवान हुए कृष्ण बलराम। अब दशम स्कंद की भूमिका तैयार है। तो फिर कहते हैं कि आगे चलकर देवमीढ़ पुत्र सूर मरीषा के गर्भ से वसुदेव आदि 10 पुत्र उत्पन्न हुए। वसुदेव जी के जन्म के समय देवताओं ने नगाड़े नौबत बजाया था, इसलिए उनको आनक दुंदु भी कहते हैं। तो वसुदेव जी को आनक दुंदु भी कहते हैं। वसुदेव जी कृष्ण के पिता हुए। और प्रीथा, सुतदेवा, सुतकीर्ति, सुतश्रवा और राजाधि देवी 5 बहने थी वसुदेव जी के। कहते हैं प्रीथा, प्रीथा कुंती का नाम है या अथवा प्रीथा का ही नाम कुंती है। जब सुरसेन जी के एक मित्र थे कुंती भोज, उनको कोई संतान नहीं था, तो वे अपने मित्र की एक बेटी को ले गए दत्तक पुत्री के रूप में। तो प्रीथा को कुंती भोज अपने पास ले गए, तो प्रीथा का एक नाम हो गया कुंती भोज के यहाँ रहने के कारण कुंती। तो वही कुंती पांडु महाराज के साथ ब्याही गई। और तो उनकी दूसरी बहन थी सुतदेवा, सुतकृति, सुतश्रवा और राजाधि देवी। प्रीथा कुंती भोज के दत्तक पुत्री के रूप में गई थी। और बचपन में एक बार कुंती भोज के यहाँ महर्षि दुर्वासा गए अपने शिष्यों के साथ। वहाँ उनका बहुत स्वागत सत्कार हुआ और उस समय 12-13 वर्ष की थी बालिका
कुंती पृथा, तो उसको सेवा करने का अवसर मिला दुर्वासा मुनि का। दुर्वासा मुनि उसकी सेवा व्यवहार से बहुत संतुष्ट हुए और त्रिकालदर्शी महात्मा कुंती को देख करके जान गए कि इसके जीवन में संतान प्राप्ति में बहुत अड़चन हो सकता है। तो उन्होंने एक वरदान दिया, एक मंत्र दिया, देहूति मंत्र, देवताओं को आहूत करने वाला, बुलाने वाला, लेकिन एक शर्त भी बतलाया कि इस मंत्र का प्रयोग केवल संतान प्राप्ति के लिए करना है। लेकिन एक दिन कुंती स्वाभाविक रूप में अपने छत पर बैठी हुई भगवान सूर्य को देख रही थी, उगते हुए सूर्य को, तो सोची कि क्या महर्षि दुर्वासा के इस मंत्र से सूर्य आ सकते हैं। दूसरा पार्ट भूल गई कि संतान के लिए चाहिए। अब बस सूर्य देव आ गए, सूर्य देव आ गए। उस समय कुंती अभी बालिका थी, अविवाहिता थी, तो सूर्य देव आकर उसे संतान की बात करने लगे, एकदम घबरा गई। कहे, नहीं देवी, तुमको संतान तो होगा ही, तुमने संतान के लिए मुझे बुलाया है। तो भगवान सूर्य ने कुंती को गर्भधान किया और कुंती एकदम घबरा गई, कही कि मैं कैसे समाज में रह सकती हूँ क्या। कहे कि ठीक है, तुम जब चाहो तुम संतान प्राप्त कर सकते हो, ऐसा नहीं कि 9 महीना वेट करना पड़ेगा। तो कुंती उसी दिन उस संतान को जन्म दे दी। लेकिन अब उसको कैसे रखे, क्या करे, उसके लिए एक पिटारी तैयार की और उसमें रखकर गंगा में बहवा दी। वही बालक बाद में कर्ण के नाम से विख्यात हुआ, उसको भी कह रहे हैं। तो सूर्य पुत्र कर्ण कुंती के द्वारा जन्म लिया था। और सूर्यदेव कहे कि देवी तुम इससे कलंकित नहीं होगी, विश्व सम्राट पांडु की पत्नी बनोगी, ऐसा नहीं कि तुम संतान प्राप्त करने के कारण उपेक्षित हो जाओगी। तो इस प्रकार कुंती का विवाह तुम्हारे परदादा पांडु से हुआ। एकदम कथा घूम फिर कर महाराज परीक्षित के इर्द गिर्द घूम रही है, कह रहे हैं। और इसके साथ सुतदेवा का करुषाधिपति वृद्ध शर्मा से, दंत भक्त और सुतसर्वा से तेदी या चेदी राज दमघोष से शिशुपाल, और वसुदेव जी की बहुत सी पत्नियां थी, देवकी से कृष्ण का अवतार हुआ और रोहिणी से बलराम गद आदि कई पुत्र हुए। तो उसी क्रम में देवकी और रोहिणी के पुत्रों का गणना कर रहे हैं और दोनों के पुत्रों के लिस्ट में बलराम की चर्चा करते हैं सुखदेव गोस्वामी। देवकी के 8 पुत्रों का जब वर्णन किए तो उसमें भी बलराम का नाम रखे, 7वां संतान बलराम थे। और रोहिणी के पुत्रों का जब गणना किए तो उसमें भी बलराम का नाम रखे। तो फिर आगे कहते हैं, जदा जदेह धर्मस्य क्षयो वृद्धिश्च पाप मनः तदास्तु भगवान ईसा आत्मानं सृजते हरिः। जब जब धर्म का हानि होता है, अधर्म बढ़ता है, पाप बढ़ता है, तब श्री भगवान इस पृथ्वी पर अवतार लेते हैं और अवतार लेकर बढ़े हुए असुरों की सेना को नष्ट करते हैं, पृथ्वी के भार को हरण करते हैं और धर्म की स्थापना करते हैं। और इसके साथ श्री भगवान अद्भुत अलौकिक लीला करते हैं, जिन लीलाओं को सुनने से कलयुग के पाप समाप्त हो जाते हैं। कहते हैं, कलौ जनिष्यमाणानम, द्वापर के अंत में भगवान कृष्ण अवतार लेकर लीला किए, लेकिन कलयुगी लोगों के लिए उन्होंने एक विशेष गिफ्ट दिया। क्या, दुख शोक तमोनुदम, कलयुग के लोगों के दुख को, तम को, अज्ञान को और शोक को दूर करने के लिए भगवान ने अनुग्रह किया। अनुग्रहाय भूतान भक्तानाम सुपुण्यम व्यतनोजसः। श्री भगवान द्वापर के अंत में अवतार लेकर के इतना महान लीला किया जिस लीलाओं को कलयुग के लोग सुनकर अपना दुख समाप्त कर सकते हैं। केवल सुनकर उनका दुख समाप्त हो जाएगा। जस्मिन कर्ण पीयूषे जसस तीर वरे सकृत, कोई अपने कान से प्रसन्न मुद्रा में और श्रद्धा के साथ अगर सुन ले तो श्रोतांजलि उपस्पृत धुनते कर्म वासना। कहते हैं, अगर कोई व्यक्ति श्रोतांजलि, इस कान रूपी अंजलि से कृष्ण कथा का पान कर ले तो उसके हृदय में जन्म जन्मांतर के विषयों की वासना समाप्त हो जाती है।
इतना सुंदर मनोहर लीला किए भगवान। फिर कहते हैं क्या सुंदर रूप था श्री कृष्ण का, जस्याननम मकर कुंडल चारु कर्ण भ्राजत कपोल सुभगम सबिलास हासम नित्योत्सवम नत त्रिपो दिश भी पिबंतो नारियो नराश्च मुदिता कुपिता निमेश। कह रहे हैं कि श्री भगवान कितना सुंदर रूप लेकर आए, जिनकी सुंदर मुखमंडल पर स्मित मुस्कान के साथ है, उनके कानों में झूलता हुआ मकराकृत कुंडल, मछली के आकार में कुंडल, उनके सुंदर लाल कपोल पर जब पड़ता था तो उसकी छाया पड़ती थी उनके गालों में, और वो दो दो कुंडल एक तरफ दिखता था, एक बाहर और एक गाल के भीतर, बहुत सुंदर। और उसमें जब हंसते थे तो उनके सब विलास हासम सुंदर हंसी के साथ है, उनके ओठों की लालिमा से प्रभावित होकर वो कपोल और सुंदर लगता था। तो उस समय जो लोग उस भुवन सुंदर का दर्शन करते थे उनके लिए तो फेस्टिवल हो जाता था, नित्योत्सव, प्रतिदिन उत्सव था, प्रतिदिन लाखों लोग केवल देखते रहते थे। तो किसी भी फेस्टिवल में, उत्सव में, अगर खूब नाच गान तमाशा हो और भोजन का कोई व्यवस्था ना हो तो उत्सव कैसा लगेगा, फीका लगेगा। फेस्टिवल का अर्थ है विविध प्रकार का आइटम खाने को मिलना चाहिए। तो कह रहे हैं उस उत्सव में भोजन क्या था, क्या खाने के लिए था, तो कहते हैं बस उनका दर्शन, उनके दर्शन करके नित्योत्सव न तत्रिपु दिश भी पिबंतो, उनके रूप माधुरी को केवल देखते लोग नहीं थे, अपने आंखों से पीते थे उस रूप अमृत को, रूपामृत को, भगवान के रूप रूपी अमृत को पीते थे। दश तत्रिपु दिश भी पिबंतो, पीते रहते थे और पीते पीते तृप्त नहीं होते थे। कहते हैं नित्योत्सव न तत्रिपु, तृप्त नहीं होते थे, दिश भी पिबंतो, अपने आंखों से उस रूप माधुरी का पान करते थे। कौन? सभी लोग, नारियों नराश्च मुदिता, स्त्री और पुरुष दोनों, नारियों नरा आगे स्त्रियों कहते हैं, स्त्रियां और पुरुष, स्त्री पुरुष दोनों पीते थे, आनंद से पीते थे, एकदम आनंद में रहते थे। केवल उस फेस्टिवल में एक डिस्टर्बेंस था कि उनका पलक गिर जाता था, देखते 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 तब तक पलक गिरता था, जो पलक गिरता था त्यों डिस्टर्ब हो जाते थे और वो कुपिता क्रोधित हो जाते थे। निमिष्यन पलक बनाने वाले पर, ब्रह्मा पर और निमि पर। और कभी कभी गोपियां तो कहती थी कि ब्रह्मा कितना जड़ है, मूर्ख है, वास्तव में ए नॉनसेंस, इस ब्रजमंडल में आंख पर पर्दा क्यों लगा दिया, बांके बिहारी की तरह बार बार पर्दा गिरा रहा है, ऐसा क्यों कर दिया। तो वास्तव में ब्रह्मा को सृष्टि नहीं करने आया, एकदम ये अनुभवी नहीं है, वो सृष्टि करता अनुभवी नहीं है, उसको कोई ज्ञान नहीं है। तो दूसरी सखी कहती है कि अरे सखी क्या करोगी, उसके बाप को जानती हो कौन है, कमल है, कमल, कमल कौन चेतन है, वो जड़ से जन्मा है तो बुद्धिमान कैसे हो जाएगा, उसका बाप ही जड़ है, कमल से उत्पन्न है ब्रह्मा, तो जब बाप जड़ है, बुद्धिहीन है, उसकी चेतना ही नहीं है, तो बेटा कितना विद्वान होगा, जितना कर लिया उतना पर ही संतोष करो, जड़ की सृष्टि है ये प्राकृत जगत गोपियों के दृष्टि में। तो ये भगवान इतना सुंदर रूप लेकर जगत में आए, सुखदेव गोस्वामी केवल थोड़ा सा टेलर प्रस्तुत करते हैं, एक श्लोक में कहते हैं कि वही श्री भगवान कंस के कारागृह में देवकी के गर्भ से जन्म लिए वसुदेव के पुत्र के रूप में, और वसुदेव जी के द्वारा वो गोकुल पहुंचा दिए गए, वहाँ 10-11 वर्ष रहकर ब्रजवासियों के साथ गोचारण, गोपियों के साथ रास आदि किए, और इसके बाद मथुरा में लौटकर कंस का वध किए, फिर बाद में जरासंघ से युद्ध किए, द्वारिका नगरी का निर्माण किए, और दुनिया में भरे हुए दुष्टों के विनाश के लिए एक योजना बनाए, कौरवों और पांडवों के युद्ध के रूप में कुरुक्षेत्र में विशाल महाभारत युद्ध हुआ, और उसमें पार्थ के अर्जुन के सारथी बनकर संपूर्ण विश्व में अर्जुन की विजय डंका बजा दिए,
और अंत में अपने प्रिय उद्धव को अपने विषय में ज्ञान देकर अपने नित्य लोक को चले गए। एक श्लोक में पूरी कृष्ण कथा पूरा कर दिए। तब महाराज परीक्षित एकदम घबरा गए, अरे अरे इतना संक्षेप में। तो कहते हैं कि हे प्रभु, आपने सूर्य वंश और चंद्र वंश के उत्पन्न राजाओं का, राजर्षियों का बहुत सुंदर वर्णन किया, उनमें उत्पन्न होने वाले राजाओं का चरित्र वर्णन किया, उसी क्रम में आपने भगवान श्री कृष्ण का जो वंश में चर्चा किए, लेकिन हे गुरुदेव मेरी इच्छा है कि इसको विस्तार से कहिए। सुखदेव गोस्वामी चकित हैं, विस्तार से तुम्हारे पास टाइम है? 3.5 दिन तो ऐसे ही बीत गया, 4th दिन चल रहा है, और तुम अब भी कुछ विश्राम कर लो, कुछ खा पी लो, इसके बाद कथा होगी। कहते ना, मुझे भूख प्यास बाधा नहीं दे रही है, जिस प्यास के कारण मैं महर्षि का अपमान किया वह प्यास पता नहीं कहाँ चली गई है। आपके मुख से चूता हुआ कृष्ण कथा अमृत से मुझे इतनी तृप्ति हो रही है कि भूख प्यास नहीं लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। आप कृष्ण कथा कहिए, आपके मुखचंद से टपकता हुआ जो अमृत है, कृष्ण कथा रूप अमृत, उससे मैं तृप्त हूँ, मुझे कृष्ण कथा सुनाइए। और कृष्ण कथा सुनने के औचित्य का वर्णन करते हैं कई श्लोकों में। कहते हैं कि आप कृष्ण कथा कहिए, मैं सुनना चाहता हूँ। वास्तव में सभी प्रकार के, सभी तरह के लोगों के लिए कृष्ण कथा अति उपादेय है, चाहे वह संसार के भोग चाहता हो, चाहे परम विरक्त हो, सबके लिए कृष्ण कथा उपादेय है। ये महा औषधि है, ये भव रोग के लिए तो महा औषधि है। केवल निशंस आत्महत्यारा या एकदम जीव हत्यारा कोई व्यक्ति ही कृष्ण कथा नहीं सुनेगा, सभी लोग सुन रहे हैं। और हमारे साथ तो कृष्ण का एकदम निकटतम संबंध है। महाभारत के सम्रांगण में, विशाल समुद्र में, महारणव में हमारे पितामहों को किस तरह से भगवान रक्षा किए, मैं जब याद करता हूँ तो मेरा चित भगवान के करुणा पर प्रभावित हो जाती है। और जहाँ तक मेरे इस देह का संबंध है, मैं माता के गर्भ में जल चुका था, भगवान की कृपा से ही बचा, मैं तो कृष्ण प्रसाद हूँ, तो मेरा निकट संबंध है। तो मानो सुखदेव गोस्वामी कहें, अच्छा तुम अपने रिलेटिव की कथा सुनना चाहते हो, और बाकी लोगों का तो कोई कृष्ण से संबंध नहीं है, तो फिर इन लोगों के सामने अपने रिलेटिव की बात कर रहे हो, तो कहे नहीं 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 नहीं, केवल मुझसे संबंध नहीं है, जितने देहधारी जीवात्माएं हैं इस पृथ्वी पर या कहीं भी, उनके साथ भगवान का निकटतम संबंध है। वो परमात्मा के रूप में सबके हृदय में रहते हैं, सबके जीवन के एक एक क्षण में भगवान के योगदान की आवश्यकता है, इसलिए कृष्ण से सबका संबंध है। आप कृष्ण कथा कहिए। तो मानो सुखदेव गोस्वामी कहें, आप क्या सुनना चाहते हो, कुछ प्रश्न करो। कृष्ण कथा तो अथाह है, अपार है, कहाँ से प्रारंभ करूँ, कहाँ बंद करूँ? तब कहते हैं कि हाँ, मेरा कुछ जिज्ञासा है कि श्री बलराम बिना देहांतरण किए, बिना देह बदले, दो माताओं के पुत्र कैसे हो गए? आपने बलराम की गिनती देवकी के पुत्रों में भी किए और रोहिणी के पुत्रों में भी किए, एक बात। दूसरा बात, दूसरी शंका है कि मैंने सुना है कि भगवान कृष्ण देवकी के गर्भ से जन्म लेकर ब्रज में चले गए, तो कितने साल तक ब्रज में रहे और क्या क्या किए, और वहाँ से लौटने के बाद मथुरा कितने साल रहे, और द्वारिका में कितने साल रहे, और क्या क्या किए, कितना विवाह, मैंने सुना बहुत सारे विवाह किए, तो उनके विवाहों की कथा कहिए। और एक महत्वपूर्ण जिज्ञासा है कि मामा का संबंध बड़ा निकट का संबंध होता है, और माँ के भाई को मामा कहते हैं, लेकिन मैंने सुना है कि भगवान अपने मामा का वध कर दिए, ऐसा क्यों किए? तो मतलब भगवान पर कंप्लेन नहीं है महाराज परीक्षित का, बल्कि कंस के वध का औचित्य बतलाइए, लोगों को समझाइए, कहिए कि वो कितना हरामी था, मारना कितना जरूरी था।
अनेक कंस के वध का औचित्य बतलाइए। तो इस प्रकार से अनेक प्रश्न किए और लास्ट में कहते हैं कि मैंने बहुत कुछ पूछ दिया, अगर आपकी दृष्टि में उचित लगे जिससे मेरा हित हो तो आप केवल मेरे प्रश्न के सीमा में ही मत रहिए, इसके अतिरिक्त भी आपको जो मेरे हित लायक बातें हो उसको कहिए, जिसमें मेरा हित हो कहिए, यदि मेरा हित इन कथाओं से नहीं है तो कोई जरूरत नहीं। हे गुरुदेव, हे सर्वसमर्थ महर्षि, हे महाभागवत, आप मेरे हित का विधान करके कृष्ण कथा कहिए। एकदम छूट दे दिए, कह दिए कि ये ऐसा नहीं है कि जो मैं पूछा वही कहिए, आपके दृष्टि में जो अच्छा लगे वो कहिए। तो महाराज परीक्षित के प्रश्न सुनकर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, वास्तव में महाराज आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया, प्रश्न का अनुमोदन किए। कहते हैं जब कृष्ण विषय प्रश्न किया जाता है तो तीन प्रकार के व्यक्ति पवित्र होते हैं, वासुदेव कथा प्रश्न पुरुषार स्त्रीन पुनाति ही वक्तारम प्रेक्षक स्तोत्रीन तदपाद सलिलम जथा। कहते हैं जो प्रश्न करता है वो तो पवित्र होता ही, उत्तर देने वाला और उसके साइड में सुनने वाला श्रोता, वक्ता श्रोता और जिज्ञासु, ये तीनों पवित्र होते हैं। तो आपने प्रश्न करके यहाँ उपस्थित सबको पवित्र करने का मौका दिया और यह कथा गंगा के समान पवित्र करने वाली, तत्पाद सलिलम जथा, ये श्रोताओं को गंगा की तरह पवित्र करने वाला है। और गंगा से भी ज्यादा इसका महत्व इसलिए है कि ये मोबाइल गंगा है, जहाँ चाहो वहीं बहने लगेगी। और गंगा तो एक निश्चित स्थान से बहती है, जो वहाँ आएगा अमेरिका इंग्लैंड से आना पड़ेगा गंगा, आए कृष्ण कथा तो अमेरिका इंग्लैंड में भी बहेगी, तो यह गंगा से भी महत्वपूर्ण है, बहुत अच्छा है। तो फिर आप संक्षिप्त कृष्ण के अवतार की कथा तो जानते ही हैं, मुझे भगवान के बाल लीला तक आज जाना है, 13वां 14वां अध्याय तक, जो गत वर्ष आप 7 दिन में सुने थे उसको 1 घंटा में सुनना पड़ेगा। तो इस प्रकार श्री भगवान के अवतार का उपक्रम बताते हुए कहते हैं, जब पृथ्वी दुष्टों दैत्यों से आक्रांत होने लगी, जो राज वेश धारण करके पृथ्वी को सताने लगे, मतलब पृथ्वी को सताने का मतलब पृथ्वी पर उत्पन्न साधारण प्रजा को जब तंग करने लगे तो पृथ्वी बहुत दुखी हो गई, वो गाय का रूप धारण करके ब्रह्मा जी के शरण में गई और ब्रह्मा जी समस्त देवताओं को साथ लेकर भगवान के ऑफिस के पास क्षीर सागर के तट पर गए। इस जगत को चलाने के लिए भगवान स्वयं अपने हाथ में जिम्मेवारी लिए हैं, प्रकृति के तीनों गुण को स्वीकार करके, जो पुरुषावतार गुणावतार होता है उसमें रजोगुण को स्वीकार करके ब्रह्मा सृष्टि करते हैं, तमोगुण को स्वीकार करके शिव जी प्रलय करते हैं, लेकिन पालन की जिम्मेवारी भगवान किसी दूसरे के हाथ में नहीं दिए और स्वयं छिदोदक शाही पालन करते हैं। छिदोदक शाही का 3 काम होता है, पालन करना, परमात्मा के रूप में सभी जीवात्माओं के साथ रहना और वहाँ पुरुषावतार के रूप में रहना। तो इस तरह से भगवान के पास से जाकर अपने पुरुष सूक्त से स्तुति किए, तो भगवान उनके स्तुति से संतुष्ट होकर उनको आश्वासन दिए। भगवान के द्वारा दिए गए आश्वासन केवल ब्रह्मा जी सुने, मोबाइल फोन की तरह, और दूसरा कोई नहीं सुना। तब तो ब्रह्मा जी देवताओं को बताए, कहे कि देवताओं तुम लोग पृथ्वी पर जाकर अवतार लो, अपने अंश से पृथ्वी पर जाओ, जदुवंश में और गोप वंश में जाकर जन्म लो, क्योंकि भगवान आने वाले हैं, उनका सहयोग करो लीलाओं में। और देवियों को भी कहे कि देवियां तुम लोग भी जाओ, क्योंकि श्री भगवान अपनी अंतरंगा प्रकृति श्रीमती राधा रानी के साथ जा रहे हैं, उनकी सेवा करो। तो इस प्रकार ब्रह्मा जी पृथ्वी को आश्वासन दिए और कहे कि भगवान आ रहे हैं, वो तुम्हारे दुख को दूर करेंगे। तो सभी लोग अपने अपने स्थान पर चले गए। फिर आगे की कथा कहते हैं कि वो मथुरा जदुवंशियों की राजधानी रही, जहाँ महाराज सूरसेन राज करते थे, और उनके पुत्र वसुदेव एक बार
अपनी नवविवाहिता पत्नी देवकी के साथ रथ पर सवार होकर विवाह करके विदा हो रहे थे, तो अपनी चचेरी बहन देवकी के सम्मान में उग्रसेन का पुत्र कंस अपनी बहन की विदाई कर रहा था और अपनी बहन के सम्मान में वो स्वयं रथ संचालन कर रहा था। जब रथ का रस्सी पकड़ा कंस और उसी रथ पर देवकी वसुदेव बैठे थे तो देवताओं की चिंता हो गई, बाप रे रहति न प्रभु चित चूक किए कि करत सुरति सौ बार ही कि भगवान की ये विघ्नेश है कि किसी के द्वारा किए गए थोड़ी सेवा को याद रखते हैं और उसके कितना हो गलती करे वो भूल जाते हैं। रहति न प्रभु चित चूक किए कि करत सुरति सौ बार ही कि एक बार कुछ सेवा किया है उसको भी सैकड़ों सैकड़ों बार याद रखते हैं। अगर कहीं भगवान के दिमाग में यह आ गया कि यह कंस हमारे माता पिता के विवाह के समय सेवा किया था, रथ चलाया था, तब तो हो गया काम, इसको मारेंगे नहीं या ये दुष्ट लोगों को सताता रहेगा। तो देवता लोग कहे बिना विलंब किए इसी समय डिस्टर्ब करना चाहिए, यह वसुदेव के घर तक पहुंचा दिया तब तो भगवान के दिमाग में एक एहसान हो जाएगा, कृतज्ञता हो जाएगी, इसको मारेंगे ही नहीं। तब देवता लोग कहे अरे मूर्ख कंस, जिस देवकी का तू रथ चला रहा है ना उसी का आठवां संतान तुम्हारे मृत्यु का कारण होगा, उसके हाथ तुम मरोगे। अरे कंस एकदम रथ का रस्सी छोड़ दिया, बड़ा पापी था। सुखदेव गोस्वामी कहते तुरंत तलवार खींच लिया और अपने एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में देवकी का केस पकड़ा और उसका सिर काटने के लिए चल दिया। अब मन में सोचा रही बांस न बाजी बसुरी, बांस से बंसी बजती है, बांस के कोठ में आग लगा दो या खत्म कर दो, बांस रहेगी ना बांसुरी बजेगी, जैसे गोपियां सोचा करती थी। तो ये कंस सोचा कि देवकी को आज ही मार देते हैं, देवकी रहेगी ना, इसका कोई एक दो तीन चार पांच आठ पुत्र होने की जरूरत ही नहीं। तो अब वसुदेव जी तत्कालिक अपना धर्म निभाने लगे, क्योंकि विवाह करके आए थे, प्रतिज्ञा करके आए थे कि इसका पालन करूंगा, और घर पहुंचने से पहले देवकी पर खतरा आ गया। तो वसुदेव तुरंत कंस का हाथ पकड़ लिए और कहे राजकुमार रुको रुको रुको, इतने उत्तम कुल में जन्म लेकर, भोज वंश में जन्म लेकर क्यों अपने वंश में कलंक लगा रहे हो? थोड़ा सा तो विचार करो कि देवकी तुम्हारी बहन है और बहन का वध इस विवाह के मांगलिक बेला में करके तुम कैसे समाज के सामने फेस करोगे, क्या मुंह दिखाओगे? यही वीरता है कि एक अबला का वध कर दिया जाए ऐसे ही। तो कंस कहता है आपको सुनाई नहीं दिया, यह अबला और बहन रह गई है, इसी का पुत्र मेरा वध करेगा, आप सुने कि नहीं? हाँ हाँ सुना, लेकिन ध्यान दो, मृत्यु जन्मवताम वीर देहे न सहजायते अद्यवाद सतंते वा मृत्यु वही प्राणिनाम ध्रुव। जो व्यक्ति जन्म लिया है वो मरेगा निश्चित, आज मरे या सौ वर्ष के बाद मरना निश्चित है, जन्म के साथ ही मृत्यु निश्चित कर दी जाती है, अद्य आज व सतांते सौ वर्ष के अंत में मरना निश्चित है। प्राणिनाम प्राणियों के लिए यह मृत्यु एकदम नितांत सत्य है, और दुनिया का काम हो सकता है इधर उधर हो जाए लेकिन मरना निश्चित है। किसी गांव में हो सकता है देवालय न हो मंदिर न हो लेकिन मरघट न हो ऐसा संभव नहीं है, ऐसा कोई गांव नहीं है जहां मरघट न हो, जहां लाश न जलाया जाता हो या और कब्रगाह न हो, होगा ही, मरना ही है, जाना ही है वहां। हो सकता है कई गांव में शिव जी का मंदिर न हो, राधा कृष्ण का मंदिर न हो, इसकी आवश्यकता नहीं समझते, लेकिन मरना है तो पक्का है। तो देखो जब मरना ही है तो फिर इस तरह से डरने की क्या जरूरत है,
और तुम जहां तक बात कर रहे हो कि देवकी का पेटा मारेगा, देखो कंस, व्यक्ति जब एक पैर धरती पर टिका देता है तब दूसरा पैर उठाता है। अगर दोनों एक साथ उठा दे तो गिर जाएगा ना। उसी प्रकार कोई जीवात्मा जब अपना कर्म करके दूसरे शरीर तैयार कर लेता है तब ये शरीर छूटता है। तुमको इतना टेंशन क्यों है? ये शरीर छूटने के बाद भी दूसरा शरीर मिलेगा, ऐसा नहीं है कि शरीर नहीं मिलेगा। जैसा कर्म करोगे वैसा शरीर मिलेगा। जैसे जलौकस, जल में रहने वाले जोंक, एक तिनके को पकड़ लेता है तब दूसरा तिनका छोड़ता है। उसी प्रकार जब निर्धारित हो जाता है कि गधा बनना है कि घोड़ा बनना है कि हिंदू बनना है कि मुसलमान या भारत में कि पाकिस्तान में, कहाँ जन्म लेना है फिक्स हो जाता है तब शरीर छूटता है। तो फिर शरीर मिलेगा, चिंता क्यों कर रहे हो? तो करे फिर शरीर मिलेगा, तो पता नहीं कैसा शरीर मिलेगा। अभी राजकुमार हूँ, अभी मथुरा नरेश का बेटा हूँ, और उस समय पता नहीं क्या शरीर मिलेगा, तो मैं इस शरीर को क्यों गंवाने दूं? बहुत सैद्धांतिक श्लोक वसुदेव जी बोलते हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें, लेकिन किसी भी सैद्धांतिक प्रवचन से कंस विचलित नहीं हुआ। वो एकदम चोट, देवकी का चोटी छोड़ा ही नहीं। तब लास्ट में एक बात कहे कि कंस एक बात कहूं, तो हाँ बोलिए, मैं तुमको वचन देता हूं कि देवकी से जो संतान होंगे वो तुमको लौटा दूंगा। जिनसे तुमको कोई भय नहीं है उनको तो लौटा दूंगा, जिनसे तुमको भय है उनको सुरक्षित रखूंगा। संक्षेप में कहे, अवग्रह लगाकर टीकाकार लोग अर्थ करते हैं भयमुत्थितम, तो भय के पहले अवग्रह एस जैसा लगाया जाता है, वो अ कहीं भी लग सकता है। जो जिनसे तुम अभयम उत्थित, अभय है, उन सारे पुत्रों को लौटा दूंगा। तो कंस उतना ध्यान नहीं दिया, संस्कृत तो जानता था लेकिन इतनी बारीकी से नहीं ध्यान दिया। कहा ठीक है, छोड़ दिया छोटी, कहा ठीक है, उसको विश्वास था। देखिए, वसुदेव के प्रवचन पर उसकी कोई श्रद्धा नहीं, लेकिन उनके वचन पर, प्रतिज्ञा पर उनको विश्वास था। वसुदेव सुप्रसिद्ध सत्यवादी थे, मजाक में भी झूठ नहीं बोलते थे। तो कंस जानता था कि वसुदेव जी झूठ नहीं बोलते हैं, छोड़ दिया ठीक है। फिर वे अपने घर पर गए। समय पर जब पहला संतान हुआ तो वसुदेव जी लेकर गए कंस के पास देने के लिए। तो कंस कहा कि अरे इतने मासूम बच्चे को क्यों दे रहे हैं, ले जाइए, आप अपने वचन का पालन किए, मुझे ये सब नहीं चाहिए। सात पुत्रों को तो आप अपने पास रखिए, आठवां दे दीजिएगा, ठीक है। तो वसुदेव जी ले आए, लेकिन मन ही मन छोड़ सोच रहे थे कि कभी भी ये बदल सकता है, क्योंकि खल है, खल के बातों पर कोई विश्वास नहीं है। तो प्रथम पुत्र के सौंपने पर जब करुणा बस लौटा दिया, तब फिर देवताओं को चिंता हुई, लो ये तो गड़बड़ हुआ ना। जब इस तरह से दया दिखाएगा भगवान के भाइयों के प्रति, तो भगवान फिर याद करेंगे कि देखो कंस कितना दयालु है, हमारे भाइयों के साथ कोई व्यवहार नहीं किया। तो एकदम पाप के सीमा तक कंस को जाना चाहिए, उसको मरना जरूरी है। तो यह सोचकर देवता लोग एक स्पेशल इमरजेंसी मीटिंग बुलाए, क्या किया जाए अब। तो देवर्षि नारद उस मीटिंग में भाग ले लिए। तो नारद जी कहे कि चिंता मत करो, मैं अभी कंस को प्रेरित करता हूँ। देवर्षि नारद सबके प्रिय थे, चाहे वो सूर हो, असुर हो, देवता हो, दानव हो, सबके यहाँ जाते थे और सब लोग उनका इज्जत करते थे, कीमत करते थे। तो पहुँच गए कंस के पास, कहे कंस मैंने सुना कि देवकी का पुत्र तू लौटा दिया। हाँ लौटा दिया, उससे हमको क्या मतलब है, आठवां के लिए भविष्यवाणी हुआ है। तो कंस का, अच्छा तुम समझते हो कि यह मैथ वहां काम करता है, देवताओं का गणित दूसरा होता है। कमल का फूल लाए थे और पंखुड़ी गिना गिना कर बताए, देखो एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ, अगर यहाँ से गिनोगे तो एक दो तीन चार ए हो जाएगा आठवा। कहता ऐसा थोड़े होता है। तो कंस कहे कि तो तुम्हारे अनुसार चलेगा, देवताओं का गणित कहीं से भी चालू हो जाता है कोई भी आठवां हो सकता है।
है, ऐसा है क्या? कहे तब कुछ भी हो सकता है, कहकर कंस के पास चल दिए। ये नहीं कहे कि उसको मारो या कुछ भी करो, कहकर चले गए। अब कंस सोचा कि अरे नारद जी तो कहे कि पहला भी अठवा हो सकता है, बुलाओ बुलाओ वसुदेव को, बेटा लेकर आए अपना। और इस प्रकार एक एक करके छह पुत्रों को मार दिया, छह बेटों को मारा। सातवां गर्भ में भगवान बलराम आए। अब भगवान बलराम जब आ गए तो श्री कृष्ण अपनी जोग माया को बुलाए और बुला करके आदेश दिए कि तुम जाओ ब्रज में और वसुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ में हमारा स्वयं का अंश बलराम है, उनको तुम वहाँ से निकालो और ले जाकर वसुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी जो नंद भवन में रहती है उनके पास दे दो, तो उनके गर्भ में रख दो और स्वयं तुम नंद पत्नी यशोदा के गर्भ से जन्म लो और मैं आठवां संतान के रूप में आता हूँ। मतलब केवल आठ दिन पहले वसुदेव जी की पत्नी देवकी के गर्भ में बलराम जी आए थे और जोग माया उनको रोहिणी के गर्भ में रख दी और फिर आठ दिन पीछे भगवान आए देवकी के गर्भ में। ऐसा हमारे आचार्य सनातन गोस्वामी चक्रवर्ती ठाकुर आदि लिखते हैं, क्योंकि इनके दोनों के लीलाओं को, कृष्ण बलराम के लीलाओं को सुखदेव गोस्वामी एक साथ लिखते हैं। एक साथ पौगंड में प्रवेश किए, एक साथ कुमारावस्था में प्रवेश किए, तो 10 दिन के 8 दिन के अंतर को अंतर नहीं कहते, इसलिए एक साथ वर्णन करते हैं। तो अब कंस बुला करके छप छह को मार दिया, आठवां में श्री बलराम आए और भगवान जोग माया को जब आदेश दिए और कहे कि तुम हमारा एक काम करोगी तो तुमको स्पेशल बोनस मिलेगा, जानती हो तुम जगत पूज्या हो जाओगी और भारतवर्ष में तुमको लोग अपनी कामनाओं के लिए पूजा करेंगे और तुमके अब तुम अभीष्ट वर देने में समर्थ होगी। इस तरह से जब वरदान दिए और जोग माया वहाँ से जो आज्ञा कह करके बलराम जी को रोहिणी के गर्भ में रख दिए और स्वयं यशोदा के गर्भ में आई। जीव गोस्वामी कहते हैं कि उस जोग माया के साथ श्री भगवान भी यशोदा के गर्भ से आए थे और इधर अपने समय पर आठवां संतान के रूप में श्री भगवान आए। जब भगवान गर्भ में आ गए तो देवताओं को पता चला, तो देवता लोग कारागृह में जाकर भगवान के गर्भस्थ भगवान की स्तुति किए, बहुत सुंदर स्तुति किए हैं। सत्य व्रतम सत्य परम ति सत्यम सत्यस्य जोनि निहितम च सत्य सत्यस्य सत्यमृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम तम शरणम प्रपन्नः। यह श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। देवता लोग कहते हैं कि हे प्रभु आप सत्य व्रत हैं, जैसा कहे वैसा कर दिए, आप आ गए वसुदेव के यहाँ पुत्र बनकर, वास्तव में आप परम सत्य हैं, त्रिकाल सत्य हैं, सब समय आपकी सत्ता है, इस जगत सृष्टि के पहले वर्तमान में और बाद में सर्वदा आप रहते हैं, आप सत्य की जोनी हैं, संपूर्ण सत्य वस्तु आपसे निकलती है, आप सत्य में निहित रहते हैं, सत्यात्मक हैं आप, सत्य स्वरूप हैं, हम आपके शरण लेते हैं। जो भागवत का प्रथम श्लोक है उस पर अद्वैतवादी लोग अपनी टीका टिप्पणी करते हैं, कहते हैं कि व्यास देव ने किसी भगवत स्वरूप या भगवत प्रॉपर किसी भगवान के रूप की वंदना नहीं किए, कृष्ण का, राम का, नरसिंह बराह कुछ नहीं, उन्होंने सत्यम परम धीमहि कहा। वो परम सत्य जो निर्विशेष निराकार है, जो अव्यक्त है, उसको व्यासदेव प्रणाम करते हैं, यहाँ किसी रूप का वर्णन नहीं करते, सत्य का ध्यान करते हैं, सत्यम परम धीमहि। लेकिन हमारे आचार्य विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, जीव गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, सब लोगों ने कहा है, खासकर जीव गोस्वामी और सनातन गोस्वामी, ये लोग कहते हैं कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, वो परम सत्य भगवान हैं, श्री कृष्ण हैं, क्योंकि जो जिस सत्य का वो नमन कर रहे हैं
उसी सत्य की कथा दशम स्कंद में कहे हैं, पूरा 90 अध्याय में। और वही सत्य देवकी के गर्भ में आया है। अपने प्रथम स्तुति में देवताओं ने सत्य व्रतम सत्य परम ति सत्यम सत्यात्मकम तम शरणम प्रपद्ये। तो जिस सत्य का वंदना ब्रह्मा शिव कर रहे हैं वह सत्य देवकी का गर्भस्थ शिशु है कृष्ण। तो जिस सत्य को देवकी अपने गर्भ में ली उस सत्य का ध्यान कर रहे हैं वसुदेव जी। महाभारत में भीष्म पितामह कहते हैं कि आपका सत्य नाम ही है, अलग से कृष्ण गोविंद हरि या गिरधारी रास बिहारी आदि जैसे नाम है वैसे आपका सत्य एक नाम है। आप सत्यात्मक सत्य स्वरूप गोविंद आपको सत्य कहते हैं। तो जिसको भीष्म पितामह समझ रहे हैं वह व्यास के समाधि के विषय है, ध्यान के विषय है। बहुत सुंदर स्तुति किए हैं, कहते हैं हे माधव जो आपके शरण लेते हैं उनको किसी प्रकार का भय नहीं है, वो काल के सिर पर पैर रखकर निर्भय विचरते हैं, कहीं उनको भय नहीं है। जो आपके गुणों का स्मरण करते हैं, चिंतन करते हैं, आपके नाम का कीर्तन करते हैं, वो सभी विघ्नों से पार हो जाते हैं। बहुत सुंदर कहे, आप जैसे अनेक अवतार लेकर आए, मत्स्याश्व कश्यप नृसिंह वराह हंस राजन्य विप्र विबुधे सुकृता अवतार, आपने और भी अनेक अवतार लिया, मत्स्यावतार कश्यप अवतार वराह नृसिंह, तो हर बार आपने जगत के हित के लिए अवतार लिया। तम पाशि नस्ति भुवनम चैथा धुनेश भारम भू हर जदुत्तम वंदनम थे। हे जदुत्तम, हे जादवों में उत्तम श्रीहरि, आप अवतार लेकर इस पृथ्वी का भार हरण कीजिए। बहुत सुंदर स्तुति है। तो इस प्रकार स्तुति करके देवता लोग चले गए, श्री भगवान अपने समय पर प्रकट हुए। श्री भगवान के अवतार के समय प्रकृति अपने को सजा ली, बहुत सुंदर वातावरण था, रंग बिरंगे पुष्पों से वृक्ष सुंदर, सभी ऋतुओं के पुष्प उग गए और सारी दिशाएं सौंदर्य से भर गई। स्वर्ग में अपने आप दुंदुभिया बजने लगी, रोहिणी नक्षत्र था, किन्नर गंधर्व सिद्ध आदि मंगलमय भगवत गुणों को गाने लगे। देवता लोग पुष्पों की वर्षा कर रहे थे। श्री भगवान देव रूपिणी देवकी के गर्भ से 16 कला से परिपूर्ण चंद्रमा की तरह प्रकट हुए। उस समय भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि थी और अर्धरात्रि का बेला भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। सर्वांग सुंदर भगवान को देखकर देवकी और वसुदेव विभोर हो गए और श्री भगवान के चरणों में स्तुति किए। और वसुदेव जी भगवान के प्राकट के समय मन ही मन 10,000 गाय दान करने का संकल्प किए। अब जेल में तो दान कर नहीं सकते थे लेकिन संकल्प किए कि जब मैं निकलूंगा तो 10,000 गाय ब्राह्मणों को दान करूंगा, संकल्प दान। और इसके बाद भगवान अपने स्वरूप में थे, अपने अंग आभूषण से सुसज्जित। श्री भगवान अवतार लेते ही अपने माता पिता के 3 जन्मों की कुंडली प्रस्तुत किए कि आप लोग प्रिष्णी और सुतपा के रूप में मेरे लिए तपस्या किए, उस समय आपका पुत्र बनने का मैं संकल्प किया लेकिन विलंब होने के कारण मैं बाद में विचार किया कि मेरे समान पुत्र सुतपा और कृष्णी ने यह मांग किया कि आपके समान हमको पुत्र। भगवान तथास्तु तो कह दिए लेकिन बाद में सोचने लगे कि मेरे समान कौन है, मैं तो केवल एक पीस हूं, दूसरा तो कोई है नहीं, तो अब इसका मतलब कि वो लोग ट्रिक से मुझे ही पुत्र बनाना चाह रहे हैं। तो थोड़ा सा विलंब हो गया सोच विचार करने में, इसलिए चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि जब संकल्पित दान को देने में विलंब होता है तो तिगुना देना पड़ता है, समय पर नहीं दिया तो तिगुना देना पड़ेगा। तो भगवान को भी 3 बार आना पड़ा। स्वयंभू मन्वंतर में प्रिष्णी सुतपा के पुत्र के रूप में आए, उस समय भगवान का नाम हुआ प्रिष्णी गर्भ। और फिर अदिति कश्यप के रूप में जब आए तो उनका पुत्र हुए उपेंद्र बामन देव। और फिर देवकी वसुदेव के रूप में आप आए हैं तो आज मैं आपका पुत्र हुआ वासुदेव कृष्ण। इसके बाद ये सारी बातें कहकर श्री भगवान माता देवकी को देखकर कहते हैं, माँ
कंस से तुमको भय है ना, अभी कंस सूचना पाएगा तो आएगा। तो देवकी का वात्सल्य उत्पन्न करना, रुला देना, हंसा देना उनके हाथ में है। तो कहते हैं कि वो सूचना पाकर आएगा ना, हाँ बेटा। तो अबोध बालक के रूप में भगवान विचित्र बात करने लगे। अभी तो तीन जन्म की कथा सुना रहे, कहे कि यदि आपको कंस से भय है तो हमें नंद भवन में पहुंचा दीजिए, वसुदेव जी से कहते हैं। तो इस प्रकार वसुदेव को प्रेरित करके भगवान नंद भवन में आए और वहां जोग माया के प्रभाव से सारे कंस के पहरेदार सो गए। ऑटोमेटिक फाटक खुल गया, उनके हाथ पैर की बेड़ियां कट गई और जमुना भी उनको मार्ग दे दी। और नंद भवन में भी वैसे ही सब बेहोश सोए पड़े थे। जब वसुदेव जी अपने बालक को लेकर गए तो देखे कि यशोदा एक अर्ध निद्रा में बेहोश है और उसके पास एक बालिका है। लेकिन जीव गोस्वामी कहते हैं कि वो दो पुत्र और पुत्री का जन्म दी थी, भगवान भी थे और जोग माया भी। ज्यों ही वसुदेव जी अपने पुत्र को रखे, उन वसुदेव नंदन नंद नंदन में विलीन हो गए, देवकी नंदन यशोदा नंदन में मिल गए। वसुदेव जी देख भी नहीं पाए, जोग माया को लेकर चले आए। तो और लाकर कारागृह में देवकी के गोद में दे दिए। इसके बाद वो बालिका जब रोने लगी तब पहरेदारों की नींद खुली और वो लोग समझ रहे थे कि हम सबसे पहले जान रहे हैं। तो कंस को सूचना देने के लिए वे लोग दौड़े कि हम पहला पुरस्कार प्राप्त करें। कितना विलंब हो गया है नहीं पता है। तो फिर और वसुदेव जी जैसे गए और सारा फाटक खुला, वैसे पूर्वत बंद होता गया, सारी स्थितियां पूर्वत हो गई। तो जब बच्ची के रोने का आवाज सुनाई दिया, कंस को सूचना दिया गया, कंस आया और आकर वह क्रूर कंस देवकी के हाथ से वो बालिका को छीन लिया और छीन करके बड़े जोर से एक चट्टान पर मारने के लिए फेंका। तब तक उसके हाथ से छूटकर वह आकाश में उड़ गई और आकाश में अष्टभुजी दुर्गा के रूप में प्रकट हो गई और बोलने लगी, अरे मूर्ख कंस, मुझे मारने से तुमको क्या मिलेगा? तेरा शत्रु तुझे मारने के लिए किसी स्थान पर पैदा हो चुका है, तू बचेगा नहीं। कंस तो देखा एकदम चकित हो गया कि उसकी आराध्या दुर्गा देवकी की पुत्री है। जितने दुष्ट बदमाश हूड लोग होते हैं वो अपनी कामनाओं से प्रेरित होकर देव उपासना करते हैं। एक कंस दुर्गा का भक्त था, रावण शिव का भक्त था, हिरण्यकश्यपु ब्रह्मा का भक्त था। भगवान की भक्ति नहीं करेंगे ये लोग, कामना से युक्त होते हैं इसलिए देव उपासना करते हैं। वो तो चकित हो गया कि जिसका दिन रात आराधना करता हूं, जय अम्बिके काली जगदम्बिके, वही देवकी के पुत्री बनी। बाप रे, देवकी हमारी आराध्या दुर्गा की माँ है, उसका तो होश ही उड़ गया। इसके साथ मैं इतना अन्याय किया, इसके बच्चों को मारा और देवकी के गर्भ से दुर्गा का जन्म हुआ और वो देवी कह गई कि तुमको मारने वाला जन्म ले चुका है। एकदम तुरंत देवकी के चरण पर कंस गिरा और क्षमा याचना करने लगा, बहन जी मुझे माफ कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे बहुत भूल हुई। मैं तो जानता था कि केवल मनुष्य समाज में झूठे होते हैं, लेकिन आज कन्फर्म हो गया कि देवता लोग भी झूठ बोलते हैं। देवता लोग भी झूठ बोलते हैं, अगर वो झूठ नहीं बोले होते तो आज हमारे हाथ से भांजों का वध नहीं हुआ होता। क्या करूं बहन, देवताओं की बात पर विश्वास करके उन झूठों पर मैं अपने भगिनों का वध कर दिया। पता नहीं इनके प्रारब्ध में यही लिखा था कि मामा के हाथ से मरे। जो भी हो, अब तो हो गया, मुझे क्षमा करो। और फिर जीजा जी से भी प्रार्थना कर रहे हैं, वसुदेव जी से भी कंस प्रार्थना कर रहा है, बहुत भूल हुई, क्षमा कीजिए। तो देवकी सहज भगवान की जननी थी,
कहीं कोई बात नहीं, जो प्रारब्धता हुआ इतना दुख शोक करने की कोई बात नहीं है। तो फिर कंस बहुत पश्चाताप करके और वसुदेव देवकी से क्षमा याचना करके अपने मंत्रिमंडल में आया। उनका मंत्रिमंडल दुष्टों का मंत्रिमंडल था। अब वहाँ आकर जब चर्चा किया तो कहा कि अरे मैंने बेकार में अपने भांजों का वध किया, देवकी के गर्भ से दुर्गा का जन्म हुआ और उसने बतलाया कि तुमको मारने वाला जन्म ले चुका है। तो दुष्ट लोग कहना चालू कि जन्म ले चुका है, कहाँ, जगह तो नहीं बताई लेकिन इसी ब्रज में कहीं ना। तो एक काम किया जाए, जितने ब्रज के अंदर बालक हैं, एक दिन, दो दिन, दस दिन, बीस दिन, एक महीना, दो महीना, चार महीना, छह महीना, सभी बच्चों को मार दिया जाए। बस यह बिल पास हो गया और उसकी अध्यक्षता कौन की, पूतना। पूतना जी अध्यक्षता की, ठीक है हम मारेंगे, ये जिम्मेवारी ले ली। तो इस निर्णय लिया गया कि नगरों गांव में जहां कहीं भी जो बच्चे, किसी के बच्चे जन्मे हैं, सबको मार दिया जाए। उसी में कोई होगा, एक दूसरे, पहला बिल पास हुआ। दूसरा बिल कि सारे हमारा दुश्मन वास्तव में शिव, ब्रह्मा, वरुण, कुबेर, इंद्रादि सारे देवताओं का जड़ विष्णु है और वही हमारा मूल शत्रु है। उसका नाश तभी संभव है कि कहीं भी विष्णु की आराधना न हो। जितने ब्राह्मण लोग विष्णु की हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, आराधना करते हैं, उन ब्राह्मणों को मना किया जाए या ब्राह्मणों की बस्तियों में आग लगा दिया जाए। और जितने गोप लोग गाय का पालन करते हैं, गाय से घी तैयार होता है और ब्राह्मण लोग हवन करते हैं, तो अहिरों की बस्तियां, गोपों की बस्तियां, गोधन, ब्राह्मण और गोप, इनको मार दिया जाए, विष्णु अपने आप खत्म हो जाएगा। तो इस प्रकार उसके मंत्रणा से मंत्री लोग एकदम तैयार, हाँ 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 हाँ, बस तुरंत आदेश दिया गया। उसके सिर पर मौत नाच रहा था। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि यायु श्रियम जसो धर्म लोकानाशिषे वच हन्ति श्रेयांश सर्वाणी पुंसो महदतिक्रम। कहते हैं कि जब महत्पुरुषों का, खासकर भगवान और भगवान के भक्तों के प्रति कोई जघन्य अपराध होता है तो व्यक्ति का बढ़ा चढ़ा आयु, बहुत लंबी आयु तत्काल नष्ट हो जाती है। उसकी श्री संपदा, धन खो जाता है, उसका फैला हुआ जस नष्ट हो जाता है, लोक में बहुत बड़ी ख्याति जो है समाप्त हो जाती है। हंति श्रेयांशी सर्वाणी पुंसो महद अतिक्रम। जीव के द्वारा जब महापुरुषों का अपमान होता है तो सब कुछ नष्ट हो जाता है। और भगवान तो महापुरुष हैं वास्तव में, वंदे महापुरुष ते चरणा रविंदम। भगवान से संबंध होने के कारण साधुओं को भी भगवान, प्रभु, महापुरुष कहते हैं, लेकिन वास्तव में ओरिजिनली महापुरुष तो श्री भगवान हैं और वही प्रभु भी हैं, वही भगवान हैं, लेकिन संबोधन में सम्मान के लिए साधु पुरुषों को भी भगवान कहते हैं या प्रभु कहते हैं या महापुरुष कहते हैं। तो श्री भगवान के अनादर करने के कारण ये विनाश हो जाता है, बढ़ा चढ़ा जस समाप्त हो जाता है, आयु नष्ट हो जाती है। शास्त्रों में कहा गया है कि दो कारण से लंबी आयु तत्काल नष्ट होती है, जब किसी सती, पतिव्रता स्त्री का अपमान किया जाए और या महापुरुष का अपमान किया जाए, तो दो के कारण तत्काल आयु नष्ट हो जाती है। सूत गोस्वामी कहते हैं कि कौरवों की आयु नष्ट हो गई, उसके कारण था द्रौपदी का अपमान, सती नारी का अपमान और विदुर और पांडवों का अपमान। कहते कचस परसा छतायु सा, द्रौपदी का केस जिस दिन पकड़ा गया और जो लोग उस दृश्य को देखे, अनुमोदन किए, उन सबकी आयु नष्ट हो गई उसी दिन। कंस सारे वंश के साथ, अरे दुर्योधन सारे वंश के साथ विनष्ट हो गया इस अपराध के कारण। उधर रावण भी, रावण के द्वारा सीता जी का अपमान और विभीषण का अपमान,
पूरे वंश को नष्ट कर दिया। तो नंद बाबा अब आगे की कथा कह रहे हैं कि जब नंद बाबा को पता चला कि कंस के मंत्रिमंडल में पास हुआ है कि बच्चों की हत्या की जाएगी, तो नंद बाबा घबरा गए कि अरे हमारे घर भी दो बच्चे हैं, अब क्या किया जाए। तो सरकारी कर्मचारी इधर ना आ पावे इसके लिए नंद बाबा एक व्यवस्था किए कि जो वार्षिक कर देना होता है जिसके लिए कर्मचारी लोग आया करते हैं, तो नंद बाबा सोचे चलो हम मथुरा चलकर कर चुका देते हैं, तब तक दो चार दिन का समय मिल जाएगा, इन बच्चों को कहीं सुरक्षित स्थान में भिजवा देंगे, अब आजकल में तत्काल आ जाएंगे टैक्स लेने वाले तो पता चल जाएगा, इसलिए कर चुकाने के लिए वो चले गए। ऐसे वसुदेव सुखदेव गोस्वामी नंदोत्सव का भी वर्णन करते हैं इस पांचवें अध्याय में कि वसुदेव जी तो अपने कारागृह में पड़े रहे लेकिन नंद बाबा के यहाँ बहुत बड़ी उत्सव हुई, बहुत बड़ा उत्सव हुआ क्योंकि बुढ़ापा में बेटा हुआ है यशोदा का, इसलिए ब्रजवासी बड़े धूमधाम से उत्सव मनाए, नंदोत्सव किए, उस बच्चे का स्वस्ति वाचन ब्राह्मणों को बुलाकर कराए और जात कर्म संस्कार, फिर वस्त्राभूषणों से सुसज्जित 2,00,000 गाय दान किए नंद बाबा, रत्नों और सुनहले वस्त्रों से ढके हुए तिल का पहाड़ दान किए, 7 पहाड़ बहुत ज्यादा, और इसके बाद सारे नगर को सुसज्जित किया गया, साफ सुथरा सुगंधित जल छिड़क कर ध्वज पताका से सजाकर और सारे ब्रजवासी सुंदर वस्त्र पगड़ी अंगरखे आदि पहन कर आए और आपस में खूब नाचे गाए खुशी मनाए और हल्दी तेल एक दूसरे के मुंह में लपेटते थे, दही, और खूब नाचते गाते थे। आज भी जब ब्रजवासी प्रसन्न होते हैं तो खूब नाचते हैं। तो यशोदा के पुत्र हुआ है यह सुनकर गोपियां आई नंद भवन में बहुत सुंदर सजकर, उनके सौंदर्य का वर्णन सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि जब वो चल रही थी, गोप्य सुमृष्ट मणि कुंडल निष्कंठ चित्रांबरा पति शिखा सुत माल्य वर्षा, अपने जूड़े में फूल लगाई थी और इतना तेज चल रही थी कि उनके जूड़े से फूल गिर गिर कर पूरा नंद गोकुल में पुष्प ही पुष्प दिख रहा था, और उनके कानों में कुंडल गले में हार हिल रहे थे। कहते हैं कि नंदालयम सबलया ब्रति बिरेजु व्यालोल कुंडल पयोधर हार शोभा। सुखदेव गोस्वामी को गोपियों का चलना बहुत सुंदर लग रहा है, एकदम वीडियो बना रहे हैं। कहते हैं जब वो चलती थी तो चित्र विचित्र कपड़ा पहनी थी, निष्कंठ गले में हार पहनी थी और कान में कुंडल धारण की थी, उनके तेज चलने से उनके गले का हार हिल रहा था, कानों का कुंडल हिल रहा था और कपड़ों से चलते हुए उनका पयोधर अस्तन हिल रहा था, बहुत सुंदर लग रहा था। व्यालोल कुंडल पयोधर हार शोभा, कहते हैं यह शोभा करे बहुत अच्छा लग रहा था, सुंदर लग रहा था गोपियों का चलना। गोपियों के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि बहुत अच्छा लग रही थी और नंद भवन में आ करके कहती हैं बेटा चिरंजीवी हो, आशीर्वाद दे रही हैं भगवान इसकी रक्षा करें, लक्ष्मी नारायण आशीर्वाद देती हैं और एक दूसरे को हल्दी तेल मिला हुआ पानी छिड़कती हैं, मंगल गान करती है, आनंदोत्सव से मतवाले गोप एक दूसरे को दही दूध माखन देते हैं, भेंट देते हैं, सभी लोग भेंट लेकर आए हैं, मुख में भी माखन लगा देते हैं। उस दिन नंद बाबा के ब्रज में सारी सिद्धियां अष्ट सिद्धियां नौ निधियां अटखेलियां करने लगी और भगवान का निवास स्थान में स्वाभाविक लक्ष्मी निवास करने लगी। ततः आरभ्य नंदस्य ब्रज सर्व समृद्धिमान हरे निवासात्म गुणई रमा कीर्तन भून नृप। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि जिस दिन भगवान ब्रज में आए
उस दिन से लक्ष्मी तो हाथ पैर तोड़कर ब्रज में निवास करने लगी। गोपियां भी अपने गोपी गीत में कहती हैं, जयति ते धिकम जन्मना ब्रज श्रयत इंदिरा सस्व दत्त ही। कहते हे प्रियतम, जब से तुम ब्रज में आए हो तब से इंदिरा लक्ष्मी सस्वत निवास कर रही है, चारों तरफ खुशी ही खुशी है, आनंद ही आनंद है, केवल हम अभागिन गोपियां तुम्हारे विरह में तड़प रही हैं, बाकी ब्रज में तो केवल खुशी है। जयति ते अधिकम, जब से तुम आए हो अधिकम जयति, यह ब्रज अधिक जय युक्त हो गया है। जयति ते अधिकम, कब से जन्मना ब्रज, जब से तुम ब्रज में आए हो। श्रयत इंदिरा सस्व दत्त ही, सस्वत मान परमानेंट इंदिरा निवास कर रही है। तो इस प्रकार सर्व समृद्धिमान ब्रज हो गया। तो इस तरह नंदोत्सव का वर्णन करके आगे इसी अध्याय में कहते हैं कि नंद बाबा अपना वार्षिक कर चुकाने के लिए मथुरा गए बैलगाड़ी पर चढ़कर, और कंस को कर चुका कर रात्रि में एक बागीचे में विश्राम कर रहे थे। रात हो गया, अब गोकुल नहीं लौट पाए। तो जब वसुदेव जी को पता चला कि नंद बाबा यहाँ बागीचे में रुके हैं, तो वसुदेव जी अर्ध रात्रि में छिप कर, वसुदेव जी अब जेल में नहीं है, इतना ध्यान दीजिए, जब कंस जान गया कि दुर्गा देवी जन्म ली है तो उनको मुक्त कर दिया, वे लोग अपने घर में थे, क्षमा याचना किया तो जेल से निकाल कर क्षमा मांगा ना, तो फिर वो अपने घर पर थे। तो वसुदेव जी अर्ध रात्रि में नंद बाबा से मिलने के लिए आए, देवकी को लेकर नहीं आए, अकेले आए। इस पर भी आचार्य लोग कहते हैं कि वो स्त्री है, हो सकता है नंद बाबा को देखकर उसका ममता उमड़ आवे और कृष्ण के विषय में पूछने लगे कि मेरे बेटे का क्या हाल है, ये सब तो गड़बड़ हो जाएगा। नंद बाबा को तो पता भी नहीं है कि मेरा बेटा कृष्ण देवकी के गर्भ से भी जन्मा है, इसलिए वसुदेव जी गए और वहाँ दुर्लभ संग हुआ उन लोगों का, एक दूसरे के दुखों का शेयर किए, आपस में बात किए। और बाद में वसुदेव जी कहते हैं कि नंद बाबा आपको यहाँ रुकना नहीं चाहिए था, शीघ्र लौट जाना चाहिए। हमारे मन में एक बात आ रही है कि अब ब्रज में बहुत उत्पात होने वाला है, कभी भी कुछ हो सकता है, इसलिए आपको ब्रज नहीं छोड़ना चाहिए, आपको हमेशा उन बच्चों का केयर करना चाहिए। तो इतना कहकर वो लौट गए। नंद बाबा भोर में अपना गाड़ी जोते और गोकुल के लिए प्रस्थान किए। तो रास्ते में नंद बाबा सोच रहे हैं कि वसुदेव जी तो कभी झूठ बोलते नहीं, उन वे प्रमाणिक व्यक्ति हैं, जब उनके मन में बातें आ रही हैं तो इसका मतलब कि कोई उत्पात हो सकता है। लेकिन मन ही मन भगवान का शरण लिए, कहे कि सारे विपत्तियों से भगवान रक्षा करते हैं, वही हमारे बच्चों की रक्षा करेंगे। तो भगवान का स्मरण करते हुए नंद बाबा अपने गोकुल की ओर प्रस्थान किए। और सुखदेव गोस्वामी इसी अध्याय में कहते हैं कि जिस रात्रि को नंद बाबा मथुरा गए थे उसी रात्रि में कंस की आज्ञा से प्रेरित होकर प्रत्येक नगर गांव और अहिरों की बस्तियों में बच्चों को मारने के उद्देश्य से पूतना घूम रही थी, और संयोग से उसी रात्रि को वो गोकुल में प्रवेश की जिस रात्रि को मथुरा रुके थे नंद बाबा। तो खेचरी थी, आकाश के मार्ग से चलती थी और जैसा चाहे वैसा रूप बना सकती थी। एक दिन वह नंद बाबा के गोकुल में आई, परम सुंदरी लक्ष्मी के समान रूप बनाई, उसके सौंदर्य को देखकर सारे ब्रजवासी मुग्ध हो गए, अपने हाथ में कमल फूल भी ली थी, और उसके सौंदर्य और मधुर स्मित मुस्कान कटाक्षपूर्ण चितवन से सारे ब्रजवासी मुग्ध थे। खास करके गोपियां, ऐसी सुंदरी ज्योति तो देखी ही नहीं थी, साक्षात लक्ष्मी के समान लग रही थी। तो आपस में उत्प्रेक्षाएं कर रहे हैं ब्रजवासी गोपियां कि लगता है कि बैकुंठ की अधीश्वरी लक्ष्मी नंदलाला के दर्शन करने के लिए आ रही है। तो बिना पूछे रास्ता बता रहे हैं ब्रजवासी, यह मार्ग यह गली नंद भवन में जाएगा, और पीछे पीछे चल रहे हैं, पीछे पीछे।
तब तक वह नंद भवन में पहुंची और इतना सुंदर एक्शन प्रस्तुत की, स्नेह वात्सल्य का स्वरूप प्रस्तुत की कि साक्षात जसोदा और रोहिणी हतप्रभ हो गई। जाते ही घर में कही, अरे लाला कहाँ है, लाला कहाँ है, बेटा कहाँ है। गई और भगवान उसको आया हुआ देखकर आंख बंद कर लिए। इस पर अनेक उत्प्रेक्षाएं किए हैं आचार्य लोग। भगवान सोचे कि तो माया फैलाई है, अगर मेरी दृष्टि पड़ गई तो इसका माया काम नहीं करेगा। जहां कृष्ण तहां ना ही माया अधिकार। तो इसलिए कहे हो जाने दो, ये लीला पूरा बंद कर लिए। कुछ आचार्य लिखते हैं कि भगवान सोचे कि यह कपटिनी वेश तो बनाई है लक्ष्मी का, माँ का, लेकिन भीतर में बहुत कपट है, स्तन में हलाहल विष लगा कर आई है और इतनी क्रूरा हृदय वाली ये राक्षसी कौन ऐसी तपस्या की कि इसको मेरा दर्शन का सौभाग्य मिल गया। तो इसके पूर्व जन्म को मानो भगवान समाधि में देख रहे हैं, पहले कुछ अच्छा कर्म की है क्या। कुछ टीकाकार कहते हैं कि नहीं, मन ही मन भगवान शिव का स्मरण करते हैं कि भोले बाबा गोलोक छोड़कर आया ब्रज में आनंद विहार करने के लिए, माखन मिश्री खाने के लिए, मैया जसोदा का स्तन पीने के लिए, ये छठवां दिन ही विष लेकर आ गई। तो जैसे समुद्र से निकले हलाहल को पिए, भोले बाबा आप इसको देख लीजिए, मुझको तो दूध पीना है, माखन खाना है। तो मानो भगवान शिव का स्मरण कर रहे हैं इत्यादि अनेक उत्प्रेक्षाएं करते हैं। जब वो पहुंची तो लाला को गोद में ले ली। अभी छठवां दिन था भगवान के अवतार लिए, पुतना स्नेहमय जननी के पास हुए। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि पुतना का चर स्वभाव जैसे तिखा सवार हो, तलवार हो, ऐसे आ कोई अचानक राग समझकर हाथ से उसको तोड़ दे, उसके भीतर तो आग है, वो जलाएगा ही। उतना उठा ली और उठा कर अरे मेरे बाबू, अरे मेरे लाला कहकर स्नेह से अपनी कंचुकी से स्तन निकाली और पकड़वा दी। वही जसोदा और रोहिणी देखती रह गई। जो जसोदा भगवान शिव को अपने लाला का दर्शन करने से वंचित कर दी, वो पुतना को टोक भी नहीं पाई, ऐसा एक्शन प्रस्तुत की। और उस एक्शन से भगवान प्रसन्न हो गए, कहे चलो एक्शन ही सही लेकिन माँ का एक्शन तो की। बस भगवान स्तन पकड़े और पीने लगे, उसके स्तन पान के साथ उसके प्राण को भी पी गए। लगी छटपटाने, अरे छोड़ रे छोड़ रे छोड़। अरे अब वो छोड़ना तो जानता नहीं, तो छोड़ेगा कैसे, जिसको एक बार पकड़ लेता है उसको छोड़ता नहीं है। अब छटपटाने लगी, अपने ओरिजिनल रूप में प्रकट हुई और आकाश में उड़ गई। देव जसोदा और रोहिणी तो देखती रह गई, बाप रे तो राक्षसी है। लेकिन वह पुतना रूपी विमान जब आकाश में उड़ने लगा, गोपियां और ब्रजवासी लोग हतप्रभ हो गए, लेकिन भगवान तो तुरंत ही उसका प्राण पी गए। अब इस विमान को लैंड कहाँ करें, ये समस्या है। ओ छ कोस में लंबा चौड़ा 21 किलोमीटर, 7 कोस में लंबा चौड़ा मतलब 18 किलोमीटर, 6 कोस में लंबा चौड़ा शरीर था, जहां गिरेगा वो ध्वस्त कर देगा। तो भगवान विचार करके, यमुना के तट पर कंस का एक बागीचा था पूर्वी तट पर गोकुल के तरफ, उस बागीचे के ऊपर गिराए, एक पथ दो कार्य, कंस का बागीचा नष्ट हो दूसरे का नहीं। और वहां विशाल पर्वत की तरह वो शरीर गिरा। ब्रजवासिनी गोपियां दौड़ी और जाकर देखती है तो बालक ऊपर उसके
छाती पर वक्षस्थल पर पड़ा हुआ खेल रहा है, तो उसको ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ी लगाना पड़ा। ऊपर चढ़े, विशाल अस्तन पर्वत शिखर जैसा दिख रहा था, उसका सूखा हुआ पेट एक सूखे सरोवर की तरह दिख रहा था, बड़े बड़े भुजाएं, आंख, विस्तार से वर्णन किए हैं सुखदेव गोस्वामी, जिसको मैं लास्ट ईयर में कह चुका हूं एक एक श्लोक। तो पुतना के शरीर से लेकर गोपियां आई और आकर प्राथमिक चिकित्सा करती हैं, ले जाकर खीरक में गाय के पूंछ से झाड़ लगाती है, गाय के गोबर मूत और ब्रजदज से एक पेस्ट तैयार करती है और उनके शरीर पर 12 अंगों में तिलक लगाती है और उनके नामों का उच्चारण करके ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, भगवान की रक्षा भगवान के नाम से कर रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि अब आप समझ सकते हैं कि जब भगवान की रक्षा भगवान का नाम कर सकता है तो जनरल समाज पब्लिक की रक्षा करने में क्या डाउट है। भगवान की सुरक्षा उनके नाम से किया गया और इस तरह से भगवान पुतना का उद्धार किए। और वहां जब गोपियां देख ली कि कृष्ण ठीक है, देख रहा है, बोल रहा है, तो फिर एकदम स्वस्थ है इसका पता करने के लिए माताओं के पास एक स्पेशल तंत्र है जांच करने का कि बेटा ठीक है कि नहीं। यशोदा के गोद में दी और अस्तन पिलाने लगी और जब सुख पूर्वक भगवान अस्तन पीने लगे तब गोपियां आश्वस्त हो गई कि हाँ बालक ठीक है। अगर बच्चा नहीं दूध पीता है तो इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। तो पीने लगा और फिर शांति से सो गए। और उधर पुतना का विशाल शरीर, उस पर टीका कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी कि पुतना का शरीर जो बड़ा था उसको अब गोप लोग सोचने लगे कि ये तो सड़ेगा तो बड़ा दुर्गंध फैलेगा, तो इसको काट काट कर सुबह में छोटा छोटा चीता बनाकर जलाने लगे और उसके शरीर से अगरू का गंध निकल रहा था, सुगंध। तो कहते हैं पदभ्याम भक्त हृदयस्थाभ्याम बंदाभ्याम लोक बंदित ही, भगवान के चरणों का जो भक्त लोग ध्यान करते हैं वही भगवान अंगम जस्या समाक्रम्य भगवान पिबत स्तनम, जिसके अंग को पकड़कर भगवान स्तन पिए थे वह पुतना माता की गति प्राप्त कर ली, धात्री माता माता बनी, यशोदा के बदले में दूसरी माँ बन गई गोलोक में। और जो लोग वो पुतना विष देकर धात्री गति प्राप्त की, कृष्ण भुक्त स्तन छीरा किमु गावो नुमात्र, कोई प्रेम से अपना स्तन पिलाई ब्रजवासिनी गोपी या गाये तो उनकी क्या गति हो सकती है। सर्वत्र पुतना के जस की चर्चा हो रही है और भगवान की इस महानता की। और फिर कहते हैं कि उसके गंध शरीर से जो सुगंध निकल रहा था उस पर ब्रजवासी लोग चर्चा कर रहे थे, गंध कहाँ से आ रहा है, वो खुद नहीं समझ पा रहे थे। कोई कह रहा था कि स्वर्ग में इंद्र जग कर रहा है वही धुआं नीचे टकरा करा रहा है, धुआं तो ऊपर जाता है, लगता है कि सूतल लोक में बलि जग कर रहा है उसका धुआं आ रहा है, किसी को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। नंद बाबा जब पहुंचे और सारी कथा सुने तो कहे बाप रे वसुदेव जी तो ज्योतिषियों के बाप निकले, वसुदेव जी पहले ही कह रहे थे कि उत्पात हो सकता है। तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ, फिर जाकर अपने पुत्र को गोद में लिए और चुमने लगे। तो इस तरह से भगवान के मनोहर बाल लीलाओं की चर्चा सुखदेव गोस्वामी करते हैं। इसके बाद आगे के अध्यायों में, सातवां अध्याय में महाराज परीक्षित जिज्ञासा करते हैं, कहते हैं कि कृष्ण के अन्य बाल लीलाओं की भी कथा कहिए, विस्तार से कहिए, हमें सुनने की इच्छा है। क्यों इतना इच्छुक हो सुनने के लिए? तो कहते हैं कि कृष्ण कथा के 5 इफेक्ट है। कृष्ण कथा सुनने से जो मन में विभिन्न प्रकार की तृष्णाएं हैं वो समाप्त हो जाती हैं, हाय 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 जो दुनिया को भोगने का कलेक्शन का वो समाप्त हो जाता है, और जो कृष्ण कथा के प्रति अरुचि है वो दूर हो जाती है और हृदय पवित्र हो जाता है, भगवान से प्रेम हो जाता है और भगवान के भक्तों से दोस्ती हो जाती है, मित्रता हो जाती है। इसलिए हम अवश्य कृष्ण कथा सुनेंगे।
अगर हमें आप कथा के अधिकारी समझते हैं तो कृष्ण के अन्य बाल लीलाओं को कहिए। अथाद्यन्नपि कृष्णस्य तोका चरितम् अद्भुतम् मानुषम् लोकमासाद्य तज्जाति मनुरुन्धतः। मानव समाज में अवतार लेकर भगवान ने जो मनोहर लीलाएं की उसको कहिए। तब सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि जब श्री भगवान 90 दिन के हुए तो एक बार करवट बदले, मतलब अपने से बाएं बाएं से दाएं हो जाते थे, तो माँ यशोदा बहुत प्रसन्न हुई और नंद बाबा को कही कि ब्राह्मणों को बुलाकर स्वस्ति वाचन कीजिए, दान दक्षिणा दीजिए, बच्चे में बल बढ़ रहा है। तो बल बढ़ने के उत्सव किया गया, खूब ब्राह्मणों को बुलाकर स्वस्ति वाचन हवन आदि किया गया, पूजा हुआ, ब्राह्मणों को दक्षिणा भोजन कराया गया, घर में भीड़ भाड़ हो गया, बहुत ज़्यादा बहुत से लोग आने जाने लगे, उनको खिलाना पिलाना। अब रोहिणी जी अकेले कैसे करें, यशोदा जी चाहती थी गोपियों का सम्मान करना, इसलिए आंगन में एक शटक खड़ा था, शकट बैलगाड़ी, उस पर गोप लोग दूध दही माखन रखे हुए थे, उसकी छाया में माँ यशोदा अपने बच्चे को सुला दी। सोना नहीं चाहते थे लेकिन किसी तरह ठोंक ठाक कर सुला दी, व्यस्त थी, चाहती थी गोपियों की सेवा करना। तो भगवान तो ठीक से पी भी नहीं पाए, माँ का स्तन अभी भूखे थे, यशोदा जल्दीबाजी में लेटा दी, तब तक भगवान का नींद खुला, सोए नहीं थे, जग गए और सोचने लगे कि देखो ये क्या उत्सव हो रहा है, मेरे नाम पर फेस्टिवल चल रहा है और मेरा उपेक्षा। भोजपुरी में कहावत है, जेकर बिया हो करे खाना बरी, जिसको जिसका विवाह है उसी को कोई नहीं पूछता है। तो कैसा लगेगा, कम से कम उस दिन तो उसका वैल्यू होना चाहिए ना। तो भगवान इस फेस्टिवल के हीरो हैं लेकिन इनको रिजेक्ट करके अपने उत्सव मना रहे हैं। तो भगवान कह रहे हो अभी बताता हूँ। तो भगवान जगे और रोने लगे, इतना रोने लगे और अपने हाथ पैर को ऊपर करने लगे, कोई सुन ही नहीं रहा था, सब अपने खाने पीने में मस्त थे, बस अपने पैर को बढ़ाए और उस शकट को मार दिए, उलट गया और शकट उल्टा, उसके ऊपर दूध दही माखन सब बिखेर गया और उसी पर एक असुर भी आया था, कंस के प्रेरित शकटासुर, वो अव्यक्त रूप में रहता था, लोमश ऋषि के श्राप से उसको देह रहित होने का श्राप मिला था, वो हिरणाक्ष का पुत्र उत्कच था, उत्कच एक बार उनके आश्रम में बड़ी उत्पात किया तो श्राप दे दिए थे। तो छिप कर रहता था, कभी जब चाहता शरीर धारण कर लेता लेकिन सर्वदा अव्यक्त रहता था, लेकिन वहां जब शकट पर आया, सोचा कि कभी उतर कर कृष्ण के गला घोटूंगा, तब तक मार दिए, शकट उलट गया और उसी में दब कर मर गया। इसके बाद हुआ हलारी, शकट कैसे उल्टा, कोई आंधी नहीं, तूफान नहीं, कोई सांड भैंसा नहीं आया, कैसे उल्टा, सब लोग दौड़े, यशोदा का तो होश उड़ गया कि उसी के नीचे बच्चे को सुलाई थी। तो दौड़ कर आई तो वहां खेलने वाले बच्चे बतलाए कि कोई दूसरा नहीं उलटा है, यही नंदलाला अपने पैर से मार दिया, उलट गया। तो जो बड़े बूढ़े थे वो डांटने लगे, चुप, बच्चा उलटा है, 3 महीना के बच्चा गाड़ी उलट देगा। इन बच्चे कुछ भी बोलते रहते हैं फालतू, कोई विश्वास नहीं किया। एक हरिशूरी जी टीकाकार हुए हैं, कहते हैं यही स्थिति है आज भी बूढ़ों की, अगर युवक कोई कृष्ण भावना भावित भक्त कहे कि बाबा नशा नहीं खाना चाहिए, ये महापाप है, गांजा नहीं पीना चाहिए, सिगरेट नहीं पीना चाहिए, तंबाकू नहीं खाना चाहिए, तो 70-72 का बूढ़ा जानते हैं क्या कहेगा, चुप मूर्ख कहीं का, तुम्हारे जैसे हमारे नाती पोते हैं तो गुरु बना है, हमको समझाने चला है, हमको सब पता है, ऐसे थोड़े बाप पका है। बहुत जीवन में थर्ड क्लास का अनुभव लिया हूं, मैंने समझने का नाम ही नहीं लेता है। देखिए साक्षात प्रत्यक्ष दर्शी कृष्ण तत्ववेता, एक गोप बालक प्रत्यक्ष दर्शन करके कह रहे हैं, कोई उनके बात को नहीं माना, मत मानो तो सही कह रहे हैं। इसके बाद अब गाड़ी को सीधा किया गया
अब जसोदा जी कही कि कोई भूत प्रेत का प्रभाव होगा, बोला बुलाओ बुलाओ पंडित जी लोग कहाँ गए, फिर से बुलाओ, स्वस्ती वाचन कराओ, फिर यज्ञ, फिर पूजा, फिर चालू हुआ। ब्राह्मणों को तो खूब आनंद आया, दोबारा फिर उत्सव हुआ, फिर दान मिला, फिर उनको अच्छा भोजन खिलाया गया। कुछ टीकाकार कहते हैं कि उसी दिन अभी खा कर गए, दोबारा फिर खा कर खाने लगे, कहे कुछ भी संभव है, हाथ सूखा ब्राह्मण भूखा। ब्राह्मण को तो भोजन का आमंत्रण मिले खुश। अथवा एक टीकाकार कहते हैं कि नहीं, एक बार खाए और एक बार सीधा लिए, सूखा आन लिए या खूब भोजन की सामग्री लिए और खूब अच्छा अच्छी गाय, अच्छा दान मिला। तब सुखदेव गोस्वामी कहते हैं ये कौन साइंस है कि ब्राह्मणों को इतना दान दिया जा रहा है। तो कहते हैं ऐसा क्यों होता है, इसमें क्या विशेषता है। तो कहते हैं कि ये शास्त्रीय सिद्धांत है, वैदिक सिद्धांत है कि अपने संतान के मंगल के लिए जो कृष्ण परायण, सत्यनिष्ठ और ईर्ष्या द्वेष से रहित भगवत परायण ब्राह्मण को यदि दान किया जाए तो संतान का मंगल होता है। इस साइंस को नंद बाबा जानते थे और माता जसोदा जानती थी। तो अपने बच्चे के अभिवृद्धि के लिए, अपने बच्चे के मंगल के लिए ब्राह्मणों को, वैष्णवों को अवश्य दान देना चाहिए, यह एक सिद्धांत निकल कर आता है, सुखदेव गोस्वामी स्वयं बोल रहे हैं। तो इस प्रकार ये शकटासुर के वध की कथा हुई, शकट भंजन या भगवान का बाएं दाएं घूमने के लिए इनको एक शब्द दिया गया है, करवट बदलने की लीला, ये सब हुआ। और इसके बाद एक बार भगवान माँ जसोदा के गोद में थे कृष्ण, और लाल लड़ा रही थी, बहुत स्नेह दुलार कर रही, तब तक भारी भारी वजन लगने लगे, तो ज़्यादा ध्यान नहीं थी, जमीन पर रहकर अपने कामों में लग गई। और तब तक बहुत जोर से आंधी तूफान आया, सारे जमुना के रेत को गोकुल में लाकर भर दिया, किसी को कुछ दिखाई ही नहीं देता था। तो उस समय वो बालक जो आंगन में बैठा हुआ था, उसको एक बंदर तूफान लेकर के आकाश में ले गया। एक असुर था जिसका नाम था तृणावर्त, वो इसी तरह आवर्त तीर्ण के रूप में तीर्णों को, घासों को लेकर आवृत करता था, वो पवन के रूप में रहता था, वो लेकर चला गया भगवान को ऊपर। तो भगवान उसके गले को पकड़ कर पीछे से पीठ पर लटक गए, बाद में अपना रूप धारण कर लिया, तो मानव स्खलन परिहार के लिए कि गिर न पाए, उसके गला को पकड़े और पीछे लटक गए और धीरे से दबा दिए जा। अब वो उसका प्राण पखेरु उड़ गया, लेकिन फिर समस्या है कि ये विमान कहाँ लैंड करें। वो पुतना जैसे बड़ा तो नहीं था, लेकिन वो गिरता तो जरूर कुछ नष्ट होता, तो एक बहुत बड़ा चट्टान था पत्थर का, उस पर गिराए और गिरते ही वो चकनाचूर हो गया। भगवान उसके वक्षस्थल पर खेल रहे थे, जब ब्रजवासी लोग देखे तो अपने भाग्य की सराहना करते हुए कहे, भले हमें पता नहीं है, लेकिन पूर्व जन्म में हमने कोई मंगल कार्य किया है, कोई कुआं, बावली, पूर्त कर्म, प्यायु, धर्मशाला बनाया, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल बनवाई, कुछ तो अच्छा कर्म हम लोग किए हैं। तो कुछ ब्रजवासी कहते हैं कि देखो ये सत्य है कि साधु अपने समता से बच जाता है और यह दुष्ट अपने पाप से मर गया, इसको दूसरा कोई थोड़े मारा है, इसका पाप इसको मार दिया, ये बालक निष्पाप था, देखो इस यह सुरक्षित बच गया। जो भी हो, और इसी अध्याय में एक कथा और कहते हैं कि एक दिन माता जसोदा अपने गोद में अपने बच्चे को ली थी, दूध पिला रही थी, और दूध पिलाते हुए अपने लाडले लाल को कभी चूम लेती थी और कभी हंसते हुए खिलखिलाते हुए मुख को देखती थी, तब तक वो जम्हाई लेने लगा गोद में, और जम्हाई लेते हुए कृष्ण का मुंह थोड़ा सा फैल गया। तो माँ ध्यान से देख रही थी तो देखी कि अपने बच्चे के मुंह में आकाश, नक्षत्र, तारे, ये पर्वत, पहाड़ सब कुछ दिख रहा है।
तो माँ जसोदा सोचने लगी क्या ये मेरे निगोड़ी आंख को कुछ हो गया क्या, तो विश्वास नहीं की कि कृष्ण के मुख में सब कुछ दिख रहा है, तो फिर उसके मुख को बंद कर दी और सुला दी। पहली बार नहीं विश्वास की, बाद में एक बार फिर भगवान उनको ब्रह्मांड दिखाए अपने मुख में। तो इस प्रकार लीलाओं को कहते हैं, आगे के लीला में, आगे के अध्याय में भगवान के नामकरण अभी बेनामी है, नंद के, नंदलाला, जसोदा लाल, यही नाम था। तो एक दिन वसुदेव जी विचार करके अपने पुरोहित गर्गाचार्य जी को प्रेरित करके ब्रज में भेजे और नंद बाबा उनका यथोचित स्वागत करके एकांत में उनसे निवेदन किए कि बच्चों का नामकरण कर दिया जाए। यद्यपि गर्गाचार्य जी उसी काम के लिए आए थे, फिर भी उन्होंने आनाकानी की कि हम नाम रखेंगे तो कंस को डाउट हो जाएगा और आप अपने पुरोहित से नाम रखवाइए। तो नंद बाबा कहे इतना अच्छा सुयोग प्राप्त हुआ है, आप जैसे व्यक्ति यहाँ पधारे हैं तो आप कृपा करके आए हमारे बच्चे का संस्कार कर दीजिए, एकांत में कर दीजिए, बहुत ढोल बाजा गाजा नहीं बजाएंगे न भोज करेंगे, स्वस्ति वाचन पूर्वकम थोड़ा सा नाम उच्चारण करके भगवान का स्वस्ति मंगलमय शब्दों का वेद मंत्रों का उच्चारण कर लीजिएगा धीरे से और नाम रख दीजिए। तो गर्गाचार्य जी स्वीकार कर लिए और बच्चों का नाम रखे, पहले रोहिणी कुमार का नाम रखे। तो उनका नाम रखते हैं, यह पुत्र रोहिणी से जन्म लिया है इसलिए रोहिणे होगा, रोहिणी कुमार, और बड़ा सुंदर है, अपने व्यवहारों से सब में रमण करेगा इसलिए इसका एक नाम राम होगा, और बलवानों में सबसे श्रेष्ठ होगा इसलिए इसका एक नाम बल होगा। लेकिन लोग बल और राम मिलाकर बलराम भी कहने लगे। और चौथा है संकर्षण, अपने गुण रूप लीला से दूसरे को आकर्षित करेगा, अथवा एक माँ के गर्भ से दूसरे माँ के गर्भ में जोग माया के द्वारा आकर्षित हुआ है, ये भीतरी भाव समझकर गर्गाचार्य जी संकर्षण रखे, या आपस में कोई फूट कलह होने पर मिलाक देगा, सुलह कराने में दक्ष होगा। और छोटा पुत्र जो यह काला है, इसके रंग रूप के साथ इसका नाम कृष्ण होगा, अपने गुण, अपने रूप, अपने लीला माधुरी से सबको आकर्षित करेगा इसलिए कृष्ण नाम होगा। और यह आपका बेटा कभी वसुदेव के यहाँ भी जन्म लिया है इसलिए इस रहस्य को जानने वाले लोग इसको वासुदेव भी कहेंगे। अब गर्गाचार्य जी वसुदेव के द्वारा भेजे हुए आए थे तो वसुदेव से संबंधित नाम तो रखना ही पड़ेगा, तो कहे कि जो इस रहस्य को जानते हैं वो वासुदेव भी कहेंगे। आपका बेटा चारों युग में जन्म लेता है, आसन वर्णास्तयोस्य गृहतोनु युगम तनु, सभी युगों में शरीर लेता है और शुक्लो रक्तस्य तथा पीतः इदानीं कृष्णताम गतः, लेकिन इसका रंग अलग अलग होता है। सतयुग में शुक्ल वर्ण में आता है, उजला सफेद हंस रूप में और अलग रूपों में, त्रेता में रक्त वर्ण में आता है, और फिर कहते हैं पीत वर्ण में भी आता है कलयुग में। सतयुग में शुक्ल वर्ण में, त्रेता में रक्त वर्ण में, कलयुग में पीत वर्ण में एकदम पीला गौरांग रूप में आता है। इदानीम माने द्वापरे कृष्णताम गत, इस समय द्वापर में एक कृष्ण वर्ण में आया है इसलिए इसका नाम कृष्ण होगा। बहुनी संति नामानी रूपाणी च सुतस्य थे, आपके बेटे के बहुत नाम है, बहुत रूप है, गुण कर्मान रूपाणी तानहम वेद नो जना, गुण और कर्मों के अनुसार इसके अनेक नाम होंगे और उन नाम को तानी अहम वेद नो जना, उन सारे नामों को मैं जानता हूं, साधारण पब्लिक नहीं जानती है, अथवा तानी अहम अजना न वेद, न मैं जानता हूं न दुनिया जानती है, दोनों अर्थ करते हैं टीकाकार, कोई नहीं जानता। जैसा कर्म करेगा वैसे आगे नाम होगा, अभी मैं दो नाम रखा कृष्ण और वासुदेव। यह गिरिराज उठाएगा तो गिरवरधारी, गोपियों के साथ रास करेगा गोपीनाथ, रास बिहारी, माखन चोरी करेगा माखन चोर, पार सारथी, बहुत सारे नाम होंगे इसके, यह नाम बाद में प्रकट होगा। तो इस प्रकार उनका नामकरण किए और फिर बाल लीलाओं की चर्चा करते हैं आगे।
कि दोनों भाई कृष्ण और बलराम एक साथ बाल लीला कर रहे हैं, बकैया चल रहे हैं घुटनों के बल से, चल चल कर माँ यशोदा और नंद बाबा को वात्सल्य सुख दे रहे हैं। और धीरे धीरे जब ब्रज में लीला करने लगे तो अपने लीला से ब्रजवासियों का चित्त आकर्षित करने लगे। सारे ब्रजवासी विभोर हो जाते थे, काम धंधा छोड़कर केवल नंदलाला का दर्शन करते थे, रोहिणी कुमार और यशोदा लाल का दर्शन करने में विभोर रहते थे। तो जब थोड़ा सा और बड़ा होने लगे, जब पैरों के बल से चलने लगे तो चल चल कर खीरक में जाते थे, और गायें जब चली जाती थी चरने के लिए बैठे हुए बछड़ों को जा करके पकड़ते थे उनका पूंछ, कृष्ण पकड़ते थे, और जब बछड़े एकदम बिजक कर खड़ा होकर पैर मारते थे पेट पर तब भी नहीं छोड़ते थे, तो गोपियां हंसती थी और कहती छोड़ दो छोड़ दो, वो हंसते हंसते लोटपोट हो जाती और घेर करके फिर उसको छुड़ाती। इतना मूर्ख है, कभी भोंकते हुए कुत्ते के मुंह में हाथ लगा देते, कभी किसी के घर में खूंटी पर टंगे हुए तलवार को निकाल कर म्यान से निकाल देते, कभी जलते हुए आग में कूद जाते, कभी गोपियां पानी भरने जाती कुएं में तो कूद जाते कुआं में, कभी भागते हुए सांड के ऊपर चढ़ जाते थे, कुछ भी करने लगते थे। कभी कभी सांड जब अपने सिर को नीचे करके पैर से मिट्टी कुदेरता तो वो भी तिरछा करके कुदेरते और दौड़ कर उसका सिंह पकड़ लेते थे। सब लोग बलवान बलवान गोप लोग सांडों से उनको बचाते, कभी हिरण से कभी आग से, सारे ब्रजवासियों को अपने लीला से प्रभावित। केवल एक सेठ नहीं, एक जगह कुछ कर रहे हैं तो दूसरे जगह कुछ कर रहे हैं, एक बार में अनेक रूप धारण कर लेते थे। और फिर जब थोड़ा और बड़े हुए तो गोप सखाओं के साथ गोपियों के घर में माखन चोरी, प्रथम किन्न हरि माखन चोरी, सूरदास जी कहते हैं भगवान माखन चोरी करने लगे। और केवल अकेले नहीं, गोप सखाओं के साथ जाते थे और बंदरों को सीटी मारकर बुला लेते थे, गोपियां झुंड के झुंड जाकर यशोदा से उलाहना देती थी कि तुम्हारा लाला बहुत ढीठ हो गया है, ये हमको मूर्ख बनाता है, और जब हम घर में दूसरे कामों में लग जाती हैं तो घर में आ जाता है माखन चोरी करने के लिए। तो माँ यशोदा कभी कभी कहती तुम लोग कितना बेशरम हो, मेरा लाला थोड़ा सा माखन खाया वो तुम यहाँ तक आ गई कहने के लिए, अरे कितना खाया है, 100 ग्राम 200 ग्राम आधा किलो 1 किलो ले जाओ हमारे घर से जितना चाहिए। अरे मैया पूरी बात तो सुनो, केवल अकेले नहीं आता है, एक गोप सखाओं को लेकर आता है और तो और बंदरों को लेकर आता है, केवल खाता ही नहीं है मटका भी फोड़ता है, इसको पता चल जाता है कहाँ किस घर में क्या रखा है, ये सूंघ सूंघ कर पता करता है किस हड़िया में क्या रखा है, और एक के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, तीसरे के ऊपर चौथा, ये ऊंचे पर रखा हुआ माखन को भी छीके पर रखे हुए माखन ले लेता है। अगर नहीं मिलता है तो जानते हो क्या करता है, अपने लठिया में कील लगा कर आता है, नीचे से ही मार देता है, फूट जाता है। तो माँ यशोदा कहती है तुम अंधेरे में छिपा कर रखा करो, अंधेरे में नहीं जाएगा, बिल्ली से बहुत डरता है। तो गोपियां कहती है अरे नहीं मैया, तुम जो इसके हाथ में मणियों का कंगन पहनाई है ना, वो टार्च का काम करता है, वो अंधेरा इसके लिए है ही नहीं। दूसरी गोपी कहती है अरे बावरी, इसके सारे शरीर से प्रकाश निकालता है, इसके लिए कोई अंधकार है ही नहीं, कृष्ण सूर्य सम, इसके सामने कुछ है ही नहीं, सब कुछ प्रकाशित हो जाता है। और यदि जिसके घर में नहीं मिला तो, कुछ नहीं मिला छिपा कर रख दी तो ऐसे थोड़े माफ कर देगा, सोते हुए बच्चों को तमाचा लगाकर भाग जाता है, चीटी काट देता है, और इतना ही नहीं हमारे लीपे पूते घर में किचन में डीटी रूम में शौच पेशाब करके भाग जाता है, अपने बच्चों से गंदा करके भागता है, ये अद्भुत व्यवहार करता है मैया। और अब दूध दुहने का समय नहीं हुआ तभी बछड़ों को खोल देता है। तो मैया कहती है तुम लोग खींच कर एक तमाचा लगा देती, यहाँ आने की क्या जरूरत है। कहती मैया
हम मानने का प्रयास करते हैं, कभी कभी तो इतना तंग कर देता है कि हम भी दौड़ कर चाहते हैं कि मारे, लेकिन मारने के लिए जब दौड़ती है तो इतना सुंदर हंसता है कि मैया हम देखकर विभोर हो जाती है। तो मैया कह रही है कि तुम लोगों को मेरे लाला की हंसी इतनी अच्छी लगती है और मुझको कह रही हो कि इसको मारो। इस तरह से विविध प्रकार के लीलाओं का साधन गोपियां कर रही हैं। और इस पर इनके बाल लीलाओं पर सूरदास जी बहुत सारे पद लिखे हैं, बहुत सारे पद भगवान के मधुर बाल लीलाओं का, क्योंकि ये बल्लभ संप्रदाय के हैं, बाल कृष्ण के उपासक हैं। बल्लभ कृष्ण बल्लभ संप्रदाय में अष्ट सखा के कवि हुए हैं, वे सभी लोग बाल लीलाओं पर लिखते हैं। तो इस तरह भगवान के मधुर बाल लीलाओं से भरा हुआ यह लीला है जिसको भगवान आस्वादन किए। और इसके बाद मैया जसोदा ये उलाहना सुनते 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 एकदम पक गई कि क्या बात है, हमारे घर में माखन अच्छा नहीं होता है, यही कारण है कि हमारा बेटा दूसरे के घर में खाता है। कभी कभी तो मैया एकदम ताजा माखन लेकर खिलाती है, बैठकर गोद में लेकर, ना गंध आ रहा है, उल्टी आ रहा है, एकदम थूकने लगते थे, इस खट्टा लग रहा है। तो दूसरी गोपी देखकर कहती थी, लाला मेरे घर में अच्छा माखन है, चल। कहते हैं कि तुम्हारे घर में क्या जाऊं, मैं भिखमंगा हूं क्या, मेरे घर में किस बात की कमी है कि मैं तुम्हारे घर जाऊं। तो गोपी कहती है, बुलाने पर नहीं आएगा, चोरी करने चला आएगा। तो कहते हैं, चोरी चोरी करना साधारण काम है क्या, कितना रिस्क है पता है तुमको, अपने मेहनत की कमाई खाता हूं, तुम्हारे बाप का थोड़ा खाता हूं। कितना परिश्रम करना पर देखना पड़ता है कौन घर में है, कहाँ है, कैसे है, अपनी कमाई खाता हूं, न मैं काम चोर हूं न बेगर हूं, क्या समझती हो, मैं न भिखारी नहीं हूं, हमारे घर में आ जाओ, शर्म नहीं लगता, हम अपनी परिश्रम की कमाई खाता हूं, तुम्हारे बाप का क्या जाता है, इतना मेहनत करना पड़ता है चोरी में और समझ रही है कि इनका खा रहा हूं। इस ब्रज में जितने माखन दूध मलाई है सब पर बच्चों का अधिकार है, कोई माखन मिश्री कुछ भी मथुरा नहीं जाएगा, कंस कौन होता है, काम ब्रजवासी करते हैं, गाय ब्रजवासी चराते हैं और माखन मथुरा जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा, केवल बच्चे खाएंगे और जो बचेगा वो बंदर खाएंगे। इस तरह से बात करते थे। तो मैया जसोदा सोची कि वास्तव में हमारे घर में दासियां माखन निकालती हैं, इसलिए अच्छा माखन नहीं निकलता है। तो माँ अपने मन में एक संकल्प ली कि अपने हाथ से माखन निकालूंगी, अपने खीरक में जाकर स्वयं, चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि कुछ गायें स्पेशल थी, जो पद्मगंधा गाय थी, जिसमें जिसके दूध कमल के गंध जैसा दूध सेंटेड निकलता था, उनको स्पेशल जड़ी बूटी खिलाया जाता था। तो उन गायों का दूध माता जसोदा खीरक में जाकर अपने हाथ से दूही, अपने आंचल से छिपा कर लेकर आई, किसी का नजर न लग जाए, हो सकता है किसी का नजर लग जाता हो इसलिए बच्चा नहीं खा रहा है, और उसको गर्म की जामुन डाली समय पर, और एक दिन भोर में अन्य दासियों को दूसरे सेवा में लगाकर स्वयं दही मथने लगी। एकदा गृहदासी सु जसोदा नंद गेहिनी कर्मांतर निजुक्ता सु निर्ममंथ स्वयं दधी। बड़ा मधुर लीला है, मेरा मन इसमें फंसता जा रहा है। तो ये मधुर बाल लीला जिनके दामोदर लीला का वर्णन सुखदेव गोस्वामी करेंगे, इसको मैं कल सुबह कहूँगा, ठीक है। इतना जल्दी दो मिनट में नहीं कह पाऊँगा। हरे कृष्ण, जय श्री प्रभु।